Hello friends, welcome to the 17th lecture of GST. 16th lecture में बेटा अपन ने input tax credit start किया था, आपको याद होगा, और आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे. लेकिन उस chapter, उस lecture में जो बेटा कुछ हमने पढ़ा था उससे related कुछ questions मैं जरूर solve कराना चाहूँगा. तो आप सबसे पहले सॉल्व क्वेश्चंस में आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर वन आपको दिखेगा. तो कुछ चार पांच क्वेश्चन है जो उस लेक्चर से रिलेटेड थे. लेक्चर ढाई घंटे का चला गया था, इसीलिए मैंने उसमें फिर क्वेश्चंस नहीं कराए थे, ठीक है ना. तो मेरे हिसाब से अब ये हम क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले, और उसके बाद हम आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ज्यादा 5 मिनट लगेंगे बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने में, काफी आसान है. हमने सेक्शन 16 पढ़ा था और आज हम सेक्शन 17 पढ़ने वाले हैं. मैंने एक ही सेक्शन पढ़ाया था आप लोगों को, सेक्शन 16. दो चीज थी उसमें, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग व्हाट इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन 16. दो एलिजिबिलिटी, चार कंडीशन, क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होना चाहिए. दो से तीन प्रोविजन थे, कोई दो बोलता है कोई तीन बोलता है, बराबर है ना बेटा. ये पूरी कहानी मैंने उस वक्त बताई थी. आज उसको बिना डिस्कस किए मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, जिसमें अगर कुछ वहां से आएगा तो रिवाइज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलिए बेटा, तो इसको स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल टू एबीसी लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस इनपुट्स परचेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर. आपको आईटीसी किसका मिलेगा किसका नहीं ये बताना है, ठीक है ना. चलिए, गुड्स परचेज विदाउट इनवॉइस. अरे इनवॉइस ये बिना तो आईटीसी मिलता ही नहीं, आईटीसी नहीं मिलेगा. गुड्स परचेज फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड. फुल पेमेंट इज मेड बाय एबीसी लिमिटेड टू पीक्यूआर लिमिटेड अगेंस्ट सप्लाई, बट टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड बाय पीक्यूआर. सप्लायर रिसिपिएंट का खेल है, रिसिपिएंट ने पेमेंट तो कर दिया बट सर सप्लायर ने टैक्स ही डिपॉजिट नहीं किया. ऐसा होने से आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो तुम जानो सप्लायर जाने, गवर्नमेंट कहती हमको नहीं पता, क्रेडिट नहीं मिलेगा. ये भी पढ़ा था. गुड्स नॉट टू बी यूज फॉर बिजनेस इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो बेसिक कंडीशन है बेटा, नहीं मिलेगा क्रेडिट इसका भी. परचेज गुड्स फ्रॉम टीटी लिमिटेड. इनवॉइस ऑफ टीटी लिमिटेड इज रिसीव्ड इन मंथ ऑफ सेप्टेंबर बट गुड्स वेयर रिसीव्ड इन मंथ ऑफ अक्टूबर. इनवॉइस भी होना चाहिए और गुड्स का रिसिप्ट भी होना चाहिए, दोनों चीजें होगी तब जाके क्रेडिट मिलेगा. तो बेटा ये क्रेडिट तो मिलेगा इसका, बट सेप्टेंबर मंथ में नहीं मिलेगा इसका क्रेडिट, अक्टूबर मंथ में मिलेगा. यानी फिलहाल अपने को मंथ ऑफ सेप्टेंबर का एलिजिबल आईटीसी निकालना है तो ये फिलहाल नहीं रहेगा, लेकिन ये अक्टूबर में मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, अक्टूबर मंथ के अंदर ये मिल जाएगा. एंड लास्ट, गुड्स परचेज विद वैलिड इनवॉइस फ्रॉम एफएफ लिमिटेड. टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड बाय एफएफ लिमिटेड. एबीसी लिमिटेड मेड पेमेंट टू एफएफ लिमिटेड. अरे वाह, सब कुछ ठीक है. फॉर सच परचेज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, कोई बात नहीं, पूरा के पूरा क्रेडिट आपको मिल जाएगा. देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है. तो इसका सोल्यूशन भी दिया है, वर्किंग नोट भी दिए, आप इस टाइप से एग्जाम में सोल्व करिएगा, और सारी डिटेल आपको दिए. आसान क्वेश्चन था, मैं ज्यादा इस पर तुल नहीं दूंगा. ये सेकंड क्वेश्चन भी आसान है बेटा, लॉट्स वाली बात है. कौन से कब मिलता है क्रेडिट? सर ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट, यानी कौन से मंथ में मिलेगा. प्रोपोर्शनल बेसिस वगैरह यहां पे कुछ नहीं रहता. फोर्थ लॉट, लास्ट लॉट कब मिला? फोर्थ लॉट सर एक बार आया, यानी भले ही इनवॉइस कभी भी दिया हो क्रेडिट दिसंबर मंथ के अंदर मिलेगा, यानी ऑन द रिसिप्ट ऑफ फोर्थ लॉट. पूरा के पूरा जो 78,000 का क्रेडिट है वो पूरा के पूरा आपको बाद में मिलेगा. आई बात समझ में? 7,28,000 टोटल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, उसके अंदर 12% है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? 7,28,000 डिवाइड बाय 112 इंटू 12, तो जीएसटी अमाउंट हमारा आ जाएगा, और जीएसटी अमाउंट आता है यहां पे 78,000, ठीक है. बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा. चलिए थर्ड क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं, ये भी आसान है. एक्स वाई जेड लिमिटेड परचेज गुड्स वैल्यूइंग 6 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%, यानी इसके ऊपर 18% से जीएसटी अलग लगेगा. अंडर कवर ऑफ इनवॉइस डेटेड 25/12/2019 को इनवॉइस दिया था, बराबर है. कंपनी मेड पेमेंट टू सप्लायर ऑन द सेम डेट, पेमेंट सेम डेट में दे दिया. देयर वॉज डाउट रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ टैक्स क्रेडिट ऑन सच इनपुट, भी क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए इसके लेकर कंपनी को डाउट था, अच्छी बात है. तो कंपनी ने आईटीसी नहीं लिया एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनपुट, जब इनपुट आए तब उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है.
याद करो प्रोविजन ऑफ टाइम लिमिट ऑफ आईटीसी. व्हाट इज टाइम लिमिट ऑफ आईटीसी, अगर याद करे तो सितंबर मंथ का जो डेट ऑफ पेमेंट रहती है यानी 20 अक्टूबर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर. लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर है, लेकिन अगर उसके पहले फाइल आपने कर दिया तो डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न एंड 20 अक्टूबर व्हिच एवर इज अर्लियर, उस दिन तक आप आईटीसी का क्रेडिट ले सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते, इनपुट्स का क्रेडिट ले सकते. सीधी सीधी बात यह है. तो देखिए क्या है, कंपनी ऑप्टेन लीगल कंसल्टेंट से ऑप्टेन क्लेरिफिकेशन फ्रॉम लीगल कंसल्टेंट दैट्स गुड्स वेयर एलिजिबल, और वो ओपिनियन उनको मिला 5-5 को, अगर उस सबने कोई मतलब नहीं उनको कब ओपिनियन मिला. नाउ कंपनी वॉन्ट्स टू अवेल क्रेडिट, कैन इट डू सो, द कंपनी हैज फाइल्ड इट्स एनुअल रिटर्न फॉर ईयर 1920 ऑन 12/8. तो अपडेट क्या हो गई, 12/8 और 20 अक्टूबर विच एवर इज अर्लियर, तो दोनों में से अर्लियर क्या हो गई, 12/8, यानी 12/8 तक क्रेडिट लिया जा सकता है. क्या ये आदमी क्रेडिट ले सकता है, आज की 5 तारीख है, यस सर बिल्कुल ले सकता है, अभी बहुत टाइम है, तो पूरा 54+54 108,000 का उसको क्रेडिट मिल जाएगा. देयरफॉर इट कैन अवेल क्रेडिट. देखिए कितना आसान है ना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि सर यस बिल्कुल आएंगे बेटा. अब ये जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, इसका एक पार्ट हमारे सिलेबस का नहीं है, दूसरा पार्ट लेकिन हमारे सिलेबस का. अब यहां एक ये देखिए 25,000 की जो पेनल्टी है, ये पार्ट फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं, क्योंकि सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, फाइनल लेवल पे आएगा बेटा, तो इसको स्किप कर देना, उसके अलावा आप पढ़ सकते. तो ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन तो होमवर्क कर सकते ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, आईटीसी के, आईटीसी से रिलेटेड है नो डाउट. नॉन पेमेंट, 6 महीने के अंदर पेमेंट नहीं किया वो वाला केस है ये, ठीक है ना. 6 महीने में अगर रिसिपिएंट है, सप्लायर है ये, रिसिपिएंट है, 6 महीने में पेमेंट नहीं करते तो बताया था 180 डेज में पेमेंट कर देना चाहिए, नहीं किया तो इसको क्या करना पड़ेगा, आईटीसी जो लिया हुआ है वो रिवर्स करना पड़ता है, और रीगेन भी होता है, जो हमारा थर्ड प्रोविजन था, याद होगा आपको ये चीज, ठीक है ना. तो ये आपके लिए होमवर्क है. फिफ्थ वाला भी देखेंगे. मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोक्योर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, सेम हैज बीन कैपिटलाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. Determine the amount of input tax credit available by giving necessary explanation for treatment of various items. ठीक है, okay. बेटा ये क्वेश्चन जो है अभी नहीं करा सकते, फिफ्थ वाले क्वेश्चन के लिए पहले मुझे नया पढ़ाना पड़ेगा. इसमें सेक्शन 17 के एडजस्टमेंट है ये, देखिए. तो चलिए कोई बात नहीं, 4 हो गए, पहले हम पढ़ते हैं नया सेक्शन 17 और उसके बाद इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं. चलिए ओके, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे बेटा, अगर आपको याद होगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 17. सेक्शन 17 के दो पार्ट, दो चीजें हैं, मतलब उसके अंदर ऐसे तो 5 पार्ट है. क्या दो चीजें सर उसमें है बेटा, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट. क्या है अपोर्शनमेंट, क्या होता है अपोर्शनमेंट, ये लेक्चर में नहीं बताऊंगा, ये पहले मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हालांकि ये पहले आता है. सेक्शन वाइज की अगर स्टडी की मैं बात करूं, सेक्शन वाइज स्टडी, तो पहले सेक्शन 17(1) सेक्शन 17(2) आएगा, 17(3) आएगा, 17(4) आएगा, ये पहले आता है, और 17(5) उसके बाद आता है. लेकिन बेटा मैं इस लेक्चर में आपको 17(5) पढ़ाऊंगा, 17(1), 2, 3, 4 उसके अगले लेक्चर में होगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 17(5) पहले पढ़ ले और उसके बाद ये 4 पढ़े तो ज्यादा बेटर है. और ये जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 और 2 है, और 3 और 4 तो बहुत छोटे है बेटा, इसके साथ आपको रूल 42 और रूल 43 पढ़ना पड़ता है. ये बात ध्यान रखना, ये रूल नंबर याद रहना चाहिए, रूल 42 काय के लिए, रूल 43 काय के लिए. खैर ये बात मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, दोनों भी अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड है, ये बात मैं अभी इसमें करता ही नहीं, अगले लेक्चर में करूंगा. तो अभी आप क्या पढ़ाओगे सर, अभी मैं आपको बेटा पूरा लेक्चर आज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 पढ़ाऊंगा, और इसके साथ करीब करीब 7-8 क्वेश्चंस भी है, तो वो 7-8 क्वेश्चंस भी, 9 से 10 क्वेश्चंस है, उसमें से 2-3 होमवर्क दूंगा, बाकी के मैं आप लोगों को कराऊंगा. तो ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 पर पढ़ेंगे. क्या है सर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, बहुत आसान लिस्ट है बेटा. किस चीज की लिस्ट, जस्ट लाइक नेगेटिव लिस्ट, ये है ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, मतलब इन ही चीजों का आईटीसी नहीं मिलेगा, बस बात खत्म. क्यों नहीं मिलेगा, हमने बोल दिया नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा.
क्यों क्या ये सब सवाल नहीं करना, नहीं मिलेगा, बस हमारी मर्जी नहीं देंगे, है ना? ठीक है सर, नहीं देते तो मत दो, अब क्या करें, आपने सोच ही लिया नहीं देंगे तो नहीं देंगे। ये है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट, बराबर है। अब मैं सबसे पहले एक चीज पे आपका ध्यान लाना चाहूंगा बेटा, अगर समझे तो दाद देना, नहीं समझे तो जैसी आपकी इच्छा है ना। देखिए कहानी इस चैप्टर की इनपुट टैक्स क्रेडिट की शुरू होती है सेक्शन 16 से। सेक्शन 16 में क्या लिखा है सर? सेक्शन 16 कहता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसमें दो एलिजिबिलिटी की बात की थी, चार कंडीशंस की बात की थी। अब बात समझना, एक एक चीज समझना बेटा, ब्लॉक्ड क्रेडिट है कि नहीं ये देखने के लिए इंसान कब आएगा? जब क्रेडिट के लिए एलिजिबल रहेगा। नहीं समझे आप? पढ़ा उसी को, जैसे अब मैं आपको चलो और थोड़ा एग्जांपल एलिबोरेट करता हूं, समझा उसी को सकते जो लायक हो, नालायक आदमी को क्या समझा? नहीं समझोगे। चलो और बता दो, सीए फाइनल की पढ़ाई में उसी को पढ़ा सकता हूं जो सीए इंटर पास हो, बराबर, ये तो पक्का है ना, सीए फाइनल उसी को पढ़ाया जाता। नहीं सर हमको पढ़ना है फिर भी इंटर पास नहीं, तो बेटा वो तो बेवकूफी हो गई ना, इंटर ही पास नहीं और सीए फाइनल की पढ़ाई पढ़ रहे है, वो बेवकूफी है। मैं अब उसकी बात नहीं करूंगा, जो एग्जाम में बैठना, चलो इंस्टीट्यूट उसी को एग्जाम देने देंगे सीए फाइनल की जो सीए इंटर पास हो, अब ये कैसा रहा? हाँ सर बराबर है। तो बेटा जब ब्लॉक्ड क्रेडिट में आएंगे, ब्लॉक्ड क्रेडिट मतलब सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, इसके पहले आता है सेक्शन 16। चीज एक चीज समझना, सेक्शन 16 में अगर एलिजिबल है मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, यानी उस आइटम पे, उस पर्टिकुलर इनपुट्स पे, उस पर्टिकुलर इनपुट सर्विस पे या उस पर्टिकुलर कैपिटल गुड्स पे आप आईटीसी ले सकते हो। क्या कहा मैंने? नहीं समझे लगता, ध्यान से सुनो। सेक्शन 16 कहता है चार कंडीशन सेटिस्फाई कर दो एलिजिबिलिटी, हम आपको क्रेडिट दे देंगे, बराबर है। तो सेक्शन 16 के हिसाब से अगर आप एलिजिबल हो जाते हो चारों कंडीशन सेटिस्फाई करके और आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए तैयार हो जाते हो, और फिर आप ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर कुछ लिस्ट है कि इन 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 आइटमों का, इन इन गुड्स का, इन इन सर्विसेज का क्रेडिट नहीं मिलेगा, नेगेटिव लिस्ट है, बराबर, ये एक नेगेटिव लिस्ट है। ब्लॉक्ड क्रेडिट मतलब इन इन क्रेडिट्स को ब्लॉक कर दिया है, यानी क्रेडिट मिलते होंगे तभी तो ब्लॉक किया ना। अरे एग्जेम्प्ट उसी को किया जा सकता है जो टैक्सेबल है, बराबर है, जो टैक्सेबल ही नहीं है उसको क्या एग्जेम्प्ट किया जाए या डियर डिडक्शन दिया जाए? समझ रहे? नहीं समझ रहे? मतलब ऐसे आइटम्स जो सेक्शन 16 की कंडीशन पास करके आ रहे हैं, ऐसे आइटम्स, ऐसे गुड्स, ऐसे इनपुट सर्विस, ऐसे आपके कैपिटल गुड्स, IISCG, मालूम है ना ये चीज? अरे तीन ही चीजों का क्रेडिट मिलता है ना बेटा, इनपुट्स, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स। ये ऐसे इनपुट सर्विस और ऐसे कैपिटल गुड्स के मैं आप क्रेडिट ब्लॉक कर रहा हूं इस सेक्शन में, जो वहां से तो पास होके आए हैं। कहां से पास होके आए सर? सेक्शन 16 से पास होके आए हैं, यानी वहां उन्होंने एलिजिबिलिटी और चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी सर, उन्होंने वहां कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, फिर भी यहां उनको ब्लॉक कर रहे? हां कर रहे, हमारी मर्जी, हमारी मर्जी, हमको उनको ब्लॉक करना है, क्रेडिट नहीं मिलेगा, सीधी बात नहीं मिलेगा सर। वो ठीक है, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर, हाँ ठीक है सर, बिजनेस के लिए यूज किया ठीक है सर, इनवॉइस से ठीक है, गुड्स रिसिप्ट हो गए ठीक है, ठीक है ठीक है, जाने दो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मैं कुछ सुनूंगा नहीं, नो इफ नो बट, ओनली व्हाट आई से इज कट वेट ट्रू। क्या यहां पे क्रेडिट नहीं देंगे सर? हम सब वो सब तुम जाने दो जी सर, सारी कंडीशन एलिजिबल किया, सब किया ना सर, बिजनेस के लिए यूज कर रहे सर, अरे जाने दो। अगर आपके कहे हुए आइटम इसके अंदर आते, सात आइटम है, A B C D E F G H I टोटल I यानी कहते नौ हो जाते हैं, नौ हेडिंग्स है, नौ ही हेडिंग्स है ना, हाँ एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ, नौ या आठ है, F G H I, हाँ I तक है बेटा, I तक है, A B C D E F G H I, हाँ नौ हेडिंग्स है। अगर इसमें आ गया वो गुड्स तो फिर क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, सोचना भी मत। जैसे सप्लाई जब आपको पढ़ाया था, फिर बाद में नेगेटिव लिस्ट बताई थी, एग्जेम्प्शंस चैप्टर 4,
सर्विसेज टैक्सेबल है, सब टैक्सेबल है, सप्लाई है टैक्सेबल है, लेकिन फिर कुछ कुछ को एग्जेम्प्ट किया गया था, बस वैसे ही यहां पे है, क्रेडिट मिलेगा 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 मिलेगा, सब कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, करे कर दिया। बट यहां पे अगर फंसता है ये 9 आइटम्स में, 9 हेडिंग्स में, भूल जाओ, नहीं मिलेगा क्रेडिट। क्या है ये? सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, इसमें 9 क्लॉज है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये क्लॉजेस हमको पढ़ने। बेटा बहुत आसान नहीं है। सर क्या ये लिस्ट याद रखनी पड़ेगी? यस, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, इसीलिए मुझे मालूम है पूरा लेक्चर आज का मुझे ये पढ़ाने में जाएगा, और मैं दूंगा इसको एक लेक्चर, उसके बाद एक लेक्चर मैं उसको दूंगा अपोर्शनमेंट को, और फिर एक लेक्चर सेक्शन 18 को, जो हमारा थोड़ा छोटा सा पार्ट बचता है उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है, और बचे हुए क्वेश्चंस को। ऐसे लेक्चर्स देखा जाए तो बेटा 3 लेक्चर्स में भी ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर भगाना पड़ता है, और मैं जीएसटी में, आपको मालूम है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, ये तू से भी नहीं। जीएसटी जब तक इधर बिल्कुल बोलते रहता मैं, जब तक बिल्कुल इधर घुसे नहीं, बराबर है। तो चलिए, ये चीज का ध्यान रखना है। तो ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है, आज पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके पहले का पार्ट, नो डाउट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आईटीसी ऑफ टैक्स पेड ऑन ऑलमोस्ट एवरी इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज यूज फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज अलाउड अंडर जीएसटी एक्सेप्ट स्मॉल लिस्ट ऑफ आइटम, लिखा स्मॉल है लेकिन स्मॉल नहीं है, आइटम्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 17(5), ठीक है। दस आईटीसी ऑन सच आइटम्स इज नॉट अलाउड इवन दो सेम में क्वालिफाई एज इनपुट, इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स एट यूज्ड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 16 की कंडीशंस भले ही आप फुलफिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हम यहां पे क्रेडिट नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। नेगेटिव लिस्ट कवर मेनली आइटम, अब क्या क्या कवर करते हैं, मेनली लिखा है यहां पे, लेकिन ये हमारे को नहीं पढ़ना है, हम मेनली नहीं पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ही पढ़ेंगे। मेनली आइटम ऑफ पर्सनल कंजम्पशन, इनपुट इनपुट सर यूज फॉर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइन, ले रहे हैं सब जाने दो, हम डायरेक्ट ही पढ़ते हैं ना, ये पैराग्राफ नहीं भी पढ़ो तो चलेगा, ठीक है। द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑन विच क्रेडिट इज ब्लॉक्स आर डिस्कस्ड एज अंडर, एक एक पढ़ते हैं शांति से, 10-15 मिनट लगेंगे एक एक को पढ़ने को, और जरा ध्यान देंगे बेटा आप लोग भी, ठीक है। क्लॉज ए, किसका क्रेडिट ब्लॉक है? पहला, मोटर व्हीकल्स एंड अदर कन्वीनियंसेस एंड रिलेटेड सर्विसेज, इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, ठीक है, जाने दो, हेडिंग पे मत जाओ, दिमाग लगाओ, ठीक है। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल क्या होता सर? सबसे पहले ये बताओ, मोटर व्हीकल की डेफिनेशन यहां पे दी हुई है, ये है सबसे पहले, तो किसका क्रेडिट ब्लॉक किया है, ध्यान से सुनना बेटा, ये लास्ट अभी हो, देखिए स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा ये पूरा, जब मैं सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज ए जब मैं पूरा पढ़ लूंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा सब नीचे, सब जो भी सवाल आपके आएंगे दिमाग में सबके जवाब नीचे दिए हुए हैं, तो आप टेंशन मत लो, विद एग्जांपल, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स यहां पे डाले हुए हैं, तो यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल, आई बात समझे। और इसके बाद 10 क्वेश्चन है इस चीज पे, 10 क्वेश्चन, यानी आप टेंशन ही ना लो जी, मैं बैठा हूं, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन भी कराऊंगा, ये भी 10 में, हाँ 3-4 होमवर्क दूंगा, उतना तो आपको कर सकते, सिंपल सिंपल, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट तो करें, है ना। मोटर व्हीकल्स एंड कन्वेंसेस हैव बीन डिफाइंड इन सीजी, सबसे पहले मोटर व्हीकल और कन्वेंस क्या होता सर ये तो बताओ बेटा, बहुत बहुत ही बेकार डेफिनेशन है मोटर व्हीकल की, मतलब बेकार इन द सेंस याद नहीं रखनी है डेफिनेशन, ऐसी डेफिनेशन दी है कि हर चीज मोटर व्हीकल बन जाती है साइकिल को छोड़ के, सच्ची मजाक नहीं। देखो लूना भी मोटर व्हीकल है, लूना आती ना लूना गाड़ी, उसको भी मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में आ जाती है, अपने आप ही आ जाएंगे, आप देखो इसको, मोटर व्हीकल एक्सक्लूड, यानी हर चीज मोटर व्हीकल है लेकिन क्या नहीं है, ये 3 चीज मोटर व्हीकल नहीं है, इट एक्सक्लूड्स क्या, व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स्ड रेल, यानी रेलवे टाइप जो पटरियों पे चलता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल बीइंग यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर एनी एनक्लोज्ड प्रीमाइसेस, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कि फैक्ट्री के अंदर यूज किया जाता है और अंदर ही अंदर एनक्लोज्ड प्रीमाइसेस, यानी उसको आप रोड पे नहीं ला रहे जी, उसको बाहर अंदर ही फैक्ट्री में, जैसे फैक्ट्री के अंदर कई बार घूमने के लिए एक छोटी सी जिप्सी यूज होती है, या आप बोल सकते इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज किया जाता है फैक्ट्री के अंदर ही घूमने के लिए, तो वो चीजों को आप मोटर व्हीकल नहीं बोल सकते, इट विल नॉट बी मोटर व्हीकल।
और मोटर व्हीकल विथ लेस देन फोर व्हीलर्स फिटेड विथ इंजन. देखिए ब्लॉक मोटर व्हीकल का किया है, यानी जो चीज मोटर व्हीकल है उसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है. चीज समझना, जो चीज मोटर व्हीकल है उसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है, ठीक है. यानी ये चीजें मोटर व्हीकल नहीं है, मतलब इनका क्रेडिट मिलेगा, ठीक है. अब देखो मिलेगा किसका, ये तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट. व्हीकल विथ लेस देन फोर व्हीलर्स, यानी फोर व्हीलर से कम, यानी फोर व्हीलर्स का तो क्रेडिट ही नहीं मिलेगा, चलो फोर व्हीलर को हटा दिया. फिटेड विथ इंजन कैपेसिटी अप टू 25 सीसी. अरे लूना की इंजन कैपेसिटी, इंजन की जो कैपेसिटी है वो 25 सीसी से ज्यादा है. बाइक, टू व्हीलर, एक्टिवा, ये सब की, टू व्हीलर्स की सब की इंजन कैपेसिटी ज्यादा है 25 से. इसका मतलब सब मोटर व्हीकल में आ गए. समझ रहे नहीं समझ रहे? सबकी कैपेसिटी 25 से ज्यादा मतलब सब मोटर व्हीकल में आ जाते हैं. आई बात समझ में? ओके, सब मोटर व्हीकल में आते हैं, ठीक है सर. व्हीकल दस रेलवे, मैंने आपको बताया था फिक्स रेल वाला, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर विथ इंजन कैपेसिटी अप टू 25 सीसी, लेकिन सबकी 25 से ज्यादा ही रहती, ठीक है. बाइसाइकल, हाँ साइकिल भी, साइकिल थे वो मोटर व्हीकल नहीं है, उनका क्रेडिट बराबर मिलेगा. आई बात समझ में? ब्रॉडली अब बड़े तीन अच्छे अच्छे पॉइंट है बेटा. आईटीसी इज ब्लॉक्ड ऑन मोटर व्हीकल वेसल्स एयरक्राफ्ट यूज फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन विद सर्टन एक्सेप्शंस. ये क्या है, ये हम आगे पॉइंट नंबर वन में नीचे देखने वाले यहां पे, ठीक है. यानी किसका क्रेडिट बोर्ड की ब्लॉक किया है, ऐसे मोटर व्हीकल, ऐसे वेसल्स, वेसल्स यानी शिप, क्रूज शिप वगैरह, ऐसे एयरक्राफ्ट जो किसके लिए यूज होते हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए विद सर्टन एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन भी, सबका ब्लॉक नहीं किया, कुछ एक्सेप्शन भी जिसका ब्लॉक नहीं है. अच्छा ठीक है. फर्दर आईटीसी इज ऑल्सो ब्लॉक्ड ऑन सर्टन सर्विसेज रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट, नेमली इंश्योरेंस, सर्विस, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस. बेटा एक चीज बताऊंगा, जिस मोटर व्हीकल का, जिस वेसल का, जिस एयरक्राफ्ट का अगर क्रेडिट ब्लॉक होता है तो उससे रिलेटेड इंश्योरेंस सर्विस हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा. और जिस मोटर व्हीकल को, वेसल को या एयरक्राफ्ट का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक नहीं किया है, उससे रिलेटेड इंश्योरेंस सर्विस हो, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस हो, उसका क्रेडिट मिल जाएगा. बड़े सिंपल सा थंब रूल है, बराबर आगे आएगा बेटा. ये बेसिक प्रिंसिपल इज दैट मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, वेसल्स ऑन विच आईटीसी इज ब्लॉक्ड, द आईटीसी ऑन सर्विस ऑफ इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर्टेनिंग टू सच मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट इज ऑल्सो ब्लॉक्ड. और अगर ब्लॉक नहीं है, अलाउड है, तो ये भी अलाउड रहेगा. आई बात समझ में? हाँ सर, समझ तो आ गया. तो सर अब जरा डिटेल में बताइए. यस, डिटेल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये टेबल, पूरा टेबल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हर चीज क्लियर, उसके बाद प्यारे प्यारे छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना. इसके लिए मैंने चार्ट भी कुछ बनवाए हैं, जरूरत पड़ी तो आपको चार्ट भी बनवा के दूंगा, लेकिन फिलहाल अपन ये पढ़ेंगे. जरा ध्यान देना, बहुत आसान है बेटा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स, ठीक है. यानी आप हेडिंग पढ़िए बेटा, पहला हेडिंग सीरियल नंबर है, दूसरे की हेडिंग पढ़िए. गुड्स और सर्विसेज एंड सर्विसेज ऑन विच क्रेडिट इज ब्लॉक्ड, यानी ये जो सेकेंड कॉलम है ये ब्लॉक्ड है, ऐसे गुड्स और ऐसे सर्विसेज के बारे में लिखा है जिन पे क्रेडिट ब्लॉक है, जिस पे क्रेडिट क्या है, नॉट अवेलेबल, यानी ब्लॉक्ड. थर्ड कॉलम जो है, सेकेंड कॉलम का एक्सेप्शन है कि भैया इन इन चीजों पे क्रेडिट ब्लॉक नहीं है, मतलब ये क्या हुए, क्रेडिट नॉट अवेलेबल, दैट इज ब्लॉक्ड, और ये क्या हुए, एलिजिबल, यानी आईटीसी इज एलिजिबल. ये सेकेंड कॉलम में लिया, थर्ड कॉलम में लिखा है. देखिए थर्ड कॉलम की हेडिंग देखिए बेटा, क्या हेडिंग है थर्ड कॉलम की, एक्सेप्शंस टू गुड्स और सर्विसेज मेंशन्ड इन कॉलम टू ऑन विच क्रेडिट इज अलाउड, यानी आईटीसी इज एलिजिबल, यानी आईटीसी मिलेगा. और उसके बाद कुछ रिमार्क्स
जो कि फोर्थ कॉलम में है। आई बात समझ में? फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम गुड्स एंड सर्विस ऑन विच क्रेडिट इज ब्लॉक्ड, जिसके ऊपर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, कुछ तरह के गुड्स और सर्विस वहां मेंशनड है, और उसके एक्सेप्शंस लिखे थर्ड कॉलम में। एक्सेप्शन मतलब क्रेडिट ब्लॉक था, उसके एक्सेप्शन मतलब क्रेडिट मिलेगा, अपवाद क्रेडिट मिलेगा, ठीक है ना? समझ आ रही बात? अरे भाई 10 लोग लाइन में खड़े, 10 के 10 चोर है, सिवाय ये एक्सेप्शन, इसका मतलब वो चोर नहीं है। आई बात समझ में? वैसे ही इनका क्रेडिट नहीं मिलेगा, सिवाय इसके एक्सेप्शन है मतलब क्रेडिट मिलेगा। अरे समझ रहे ना? ठीक है, तो अब ध्यान देना, पहले मैं बात करूंगा, देखिए हमारे पास क्या क्या है, मोटर व्हीकल्स, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स, उसके बाद उनके ऊपर इंश्योरेंस सर्विस, और फिर लीजिंग रेंटिंग वगैरह वाली सर्विस के बारे में, ठीक है ना? चलिए डिटेल में बात करेंगे। पहले बात करता हूं बेटा मैं मोटर व्हीकल्स की, दूसरी चीज की बात नहीं करूंगा, मोटर व्हीकल की बात करूंगा। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विद सीटिंग कैपेसिटी इज लेस देन और इक्वल टू 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर। ऐसे मोटर व्हीकल जो यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स, पैसेंजर, पीपल, इंसान, गुड्स नहीं, सिर्फ इंसान की बात है। जरा ध्यान देना बेटा, वर्ड्स पे जाना है, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो, बराबर है? क्या कह रहा मैं? ऐसे मोटर व्हीकल जो किसके लिए यूज होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विथ सीटिंग कैपेसिटी कितनी, लेस देन और इक्वल टू 13 या 13 से कम, इंक्लूडिंग ड्राइवर। अब 25 सीसी के ऊपर गया मतलब वो मोटर व्हीकल है सारे, ठीक है, बाइक हो या कुछ भी हो, बाइक हो, फोर व्हीलर हो, कुछ भी हो, सीटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम, ये कौन सी चीज हो गई, इंक्लूडिंग ड्राइवर, ड्राइवर की सीट इंक्लूड करके, ये सारे मोटर व्हीकल कौन से हो गए, इनएलिजिबल, मतलब इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो किसका मिलेगा सर, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए है उसका मिलेगा, हाँ गुड्स के बारे में तो लिखा ही नहीं है। सर जो मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 के ऊपर यानी 14, 15, 16 उसका मिलेगा, हाँ मिलेगा। देखो कितना आसान है ना, ध्यान देना, यहां पे इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स व्हेन यूज्ड फॉर एनी पर्पस फॉलोइंग एलिजिबल पर्पस मेकिंग फर्दर, हाँ ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन ये बता रहा है कि भले ही ये मोटर व्हीकल पे क्रेडिट ब्लॉक है, कौन से मोटर व्हीकल पे क्रेडिट ब्लॉक है, क्लम ऑन बेटा, दो चीज है, कौन सा सर, पर्सन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहा है, और उसकी दूसरी चीज उसकी जो कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी की, सीटिंग कैपेसिटी कितनी है सर, 13 और लेस, 13 या 13 से कम यदि उसकी सीटिंग कैपेसिटी है तो उस पर क्रेडिट ब्लॉक है। लेकिन अगर यही मोटर व्हीकल अगर इन चीजों के लिए यूज होते हैं तो क्रेडिट ब्लॉक नहीं रहेगा। यही मोटर व्हीकल, कौन सा मोटर व्हीकल सर जो पर्सन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, हाँ बिल्कुल, और जिसकी कैपेसिटी 13 है, 13 से कम है, हाँ बिल्कुल, जिसका क्रेडिट ब्लॉक है, हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर इन इन चीजों के लिए यूज होता है, हाँ बिल्कुल, तो उसका क्रेडिट ब्लॉक नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, लिखा है एक्सेप्शंस कॉलम नंबर 2 के। ओके, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स यानी कौन से, ये जो अभी अपन ने पॉइंट कॉलम नंबर 2 में देखे वो सारे हमारे इनएलिजिबल मोटर व्हीकल है। लेकिन यदि ये इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स यूज किए जाते हैं इनएलिजिबल पर्पस के लिए, इन तीन पर्पस के लिए जो एलिजिबल है, क्रेडिट मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। आई बात समझ में? समझ आ रहा फर्स्ट सेकंड कॉलम कैसे पढ़ना है ना? तो चलिए क्या होते, मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, कार शोरूम वाले, अरे है ना, कार शोरूम वाले क्या करते हैं, उसी मोटर व्हीकल को फर्दर सप्लाई करते हैं। समझे नहीं समझे? मैं कार शोरूम डीलर हूं, मारुति सुजुकी से कार आई, जीएसटी लग के आया, उसका आईटीसी मुझे मिलेगा, क्यों मिलेगा, मैंने वो जो मोटर व्हीकल है वो फर्दर टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया, मैंने आपको बेचा, आपने उसको यूज किया, तो मैंने, मैं कार आई, उसका आईटीसी लिया, आपको बेचा, तो जो मैंने सप्लाई किया उस पे मुझे जो आईटीसी लग के आया उसका क्रेडिट मिलेगा। आ रही समझ में बात? अरे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना, सोच के देखो ना यार आप।
जो यूज करता है मोटर व्हीकल उनके लिए क्रेडिट ब्लॉक के इंटेंशन सोचो गवर्नमेंट का, बराबर है ना। तो जो फर्दर टैक्सेबल सेल्फ अलाउ, ये तो बेटा हर जगह है जिस चीज का ब्लॉक है, लेकिन अगर आप उसकी ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें डील कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, देखिए एक चीज यहां पे वो साबित, ये इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस में यूज कर लिए मतलब क्रेडिट मिल जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। जैसे मोटर व्हीकल आपने भले ही अपने बिजनेस के लिए लिया हो, ये जो मोटर व्हीकल है आपने भले ही अपने बिजनेस के लिए चारों कंडीशन आप सेटिस्फाई करके आ रहे हो सेक्शन 16 की, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पे मैं बिजनेस के लिए यूज करूं या नहीं करूं रेलेवेंट है ही नहीं। सर बिजनेस के लिए यूज किया, कन्वॉइस है, रिसिप्ट, कोई मतलब नहीं है सब बातों का। यहां पे सिर्फ जितना लिखा है उतना ही समझना, ठीक है ना। तो क्रेडिट ब्लॉक है मोटर व्हीकल का, कौन से मोटर व्हीकल का, सर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज हो रहा है, और सर साथ ही साथ उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 या 13 से कम है इंक्लूडिंग ड्राइवर, ऐसे मोटर व्हीकल को हम इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स कहते हैं। लेकिन सर अगर ये इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स यूज होते हैं एलिजिबल पर्पस के लिए तो सर क्रेडिट मिलेगा। कौन से एलिजिबल पर्पस है बेटा? सर देखिए वो एलिजिबल पर्पस है मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। एग्जांपल कार शोरूम, कार शोरूम वाला क्या करता है, ठीक है। अच्छा ध्यान देना बेटा, एक बड़े काम की चीज है यहां पे, मैं अभी बताऊंगा आपको, आपने सोचा भी नहीं होगा इतना। नागपुर में तो कोई टीचर इतना सोच के आपको पढ़ाने वाला नहीं है। जीएसटी ये मुझे गारंटी, गारंटी बिल्कुल, पूछ लेना किसी से भी। जरा यहां ध्यान देना, एक चीज लिख रहा हूं, फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स। फर्दर टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, क्या आता उसमें? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंट, मतलब अरे सेल करने के लिए कार शोरूम, ट्रांसफर कार शोरूम, बार्टर कार शोरूम, एक्सचेंज कार शोरूम, लीज। अगर मेरा काम मोटर में ट्रांसपोर्ट, मैं ये टैक्सी सर्विस देता हूं, यानी मैं टैक्सी देता हूं, यानी मेरा काम है लीज पे देना गाड़ियां, तो मुझे क्रेडिट मिलेगा? हाँ मिलेगा। मेरा काम रेंट से देना गाड़ी है, हाँ मुझे मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन का स्कोप बहुत वाइड है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सप्लाई की डेफिनेशन याद कर लो, नया नहीं पढ़ा रहा मैं, कुछ पढ़ाया हुआ है मुझे याद है, वापस नहीं पढ़ाऊंगा, नो नो नो, ठीक है ना। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, आप ये काम कर रहे हो, यानी क्या हुआ, एयरलाइंस वाले क्या काम कर रहे हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का काम कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे, टैक्सी सर्विस वाले, बराबर है, तो क्रेडिट मिलेगा। एयरलाइंस लिख सकते हैं यहां पे आप, ये एयरक्राफ्ट का एक्चुअली यहां पे है, तो एयरलाइन लिखना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, टैक्सी वाला लिख सकते हैं, टैक्सी है ना, टैक्सी वाले जो सर्विस देते हैं इस टाइप की, टूरिस्ट वगैरह। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इंपार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल, ड्राइविंग स्कूल वाले, ड्राइविंग स्कूल वाले, अगर ये मोटर व्हीकल आप इस, ये मोटर व्हीकल कौन सा मोटर व्हीकल, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है, जो कि इनएलिजिबल मोटर व्हीकल कहा जाता है, लेकिन अगर ये इनएलिजिबल मोटर व्हीकल कुछ एलिजिबल काम के लिए यूज किया जाता है तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। कौन सा एलिजिबल काम है? पहला काम है वेदर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ दैट टैक्सेबल व्हीकल सच मोटर व्हीकल, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, एंड लास्ट इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इंपार्टिंग ट्रेनिंग ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स, ड्राइविंग स्कूल वाले। आई बात समझ में? तो चलिए इसकी कुछ कहानी लिखी हुई है, ये इसके रिमार्क, ये बड़े रिमार्क बड़े काम के, मतलब ये क्रक्स है, ये क्या है, क्रक्स है, निचोड़ है, क्या है, निचोड़ है, कॉलम नंबर 2 और 3 का निचोड़ लिख लो यहां पे, कॉलम नंबर 2 और 3 का क्रक्स है, निचोड़ है। ये कॉलम समझता ना, ये 2 नंबर कॉलम, ये 3 नंबर कॉलम और ये 4 नंबर कॉलम, ठीक है ना। क्या है, आईटीसी ऑन इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स, ये सारे इनएलिजिबल मोटर व्हीकल है, उसका आईटीसी नहीं मिलता, बराबर है। आईटीसी ऑन इनएलिजिबल मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन एलिजिबल पर्पस इज नॉट अलाउड, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल का आईटीसी नहीं मिलता है, और अगर वो इनएलिजिबल मोटर व्हीकल सिर्फ एलिजिबल पर्पस के लिए यूज करते तो ही आईटीसी मिलता है, ये लिखा है पहले इसमें। और इनएलिजिबल मोटर व्हीकल मतलब क्या,
ऐसा मोटर व्हीकल जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए यूज होता है और साथ ही साथ उसकी सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 या 13 से कम है, बस सिंपल सी बात है। लेकिन इसका मतलब यह भी होता है आईटीसी और मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विद सीटिंग कैपेसिटी ग्रेटर देन 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर यूज्ड फॉर एनी पर्पस इज अलाउड। हाँ बिल्कुल, बस ले लो, मिनी बस ले लो, अलाउड है, यूज फॉर एनी पर्पस अलाउड। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, एनी पर्पस मतलब आप पर्सनल पर्पस नहीं होता है, यहां पे बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा। देखिए बेटा ये कंडी ब्लॉक 17 सब सेक्शन में आप तब आओगे जब आप 16 की कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। अगर 16, अब आप यहां पे पूछ सकते हो सर एनी पर्पस लिखा है मतलब अगर मैंने बस पर्सनल पर्पस के लिए यूज की तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा क्या? बेटा ऐसा सवाल मत करना प्लीज। कारण ऐसा है कि 17 में आप तब आओगे जब आप 16 की बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, और 16 की अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो 17 की क्या? यहां तो आपको अगर आप गलत एनी पर्पस है, अगर आप पर्सनल बोल देते हो तो 17 तो दूर की बात है, 16 ही लात मार देगा, भक्त बोले क्रेडिट नहीं मिलेगा, यस और नो? तो बेटा 16 बेसिक सेक्शन है, ये बात ध्यान रखना, वो तो सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। उसके बाद सेटिस्फाई जहां क्रेडिट अलाउड हो रहा है 16 में तो भी हम क्रेडिट ब्लॉक करते हैं किसी तो भी कारण से, यहां पे लिस्ट है इसलिए, समझ आई बात? यानी ये जो सेक्शन जो चीजें हैं सेक्शन 16 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तभी सेक्शन 17 तक आए हैं, नहीं तो पहुंचते ही नहीं, सब वहीं रोक देता, सेक्शन 16 ही उनको रोक देता था कि क्रेडिट नहीं मिलेगा, चलो जाओ यहां से, ठीक है। आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल अदर देन इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, इनका क्रेडिट मिलेगा? हाँ, अदर देन एलिजिबल मतलब मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई थी, इन एलिजिबल किसको किया था? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, गुड्स का कहां बोला? डंपर्स टिपर्स यूज्ड फॉर एनी पर्पस इज अलाउड, आई बात समझ में? चलिए ठीक है, अब मैं आ जाता हूं वेसल्स और एयरक्राफ्ट पे। बेटा यहां बार बार एनी पर्पस है, उसके जरिए कंफ्यूज मत होना, बराबर है ना? ठीक है, चलिए। तो अब आपको, आप बोलेंगे तो इसके ऊपर मैं एक डायग्राम भी बना के दे सकता हूँ आपको। और एक चीज और बताता हूँ बेटा, यहाँ एक रोमन वन तो लिखा है लेकिन ये एक्चुअली ए होना चाहिए, यानी 17 5 ए, यानी मोटर व्हीकल्स, ठीक है। और ये बता दूं आपको वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट है डबल ए, ये भी समझ लेना। और ये जो जनरल इंश्योरेंस है ये ए बी है, ठीक है ना? क्लॉज क्लॉज के नाम है ये, अगर सेक्शन वाइज अगर आप बेल टेक्स्ट उठा के देखोगे तो ये सेक्शन के नाम है। तो चलिए अगर अपन ध्यान से करना चाहें तो एक अच्छा सा ग्राफ बन सकता है, मोटर व्हीकल ग्राफ नहीं सॉरी चार्ट, मोटर व्हीकल सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज ए, ठीक है। चलिए मोटर व्हीकल काय के लिए यूज होता है, मोटर व्हीकल जो काय के लिए यूज होता है बता दे तो, दो मिनट, ध्यान दे रहा दोस्तों। मोटर व्हीकल पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स, और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की बात पहले करते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हुआ तो क्रेडिट मिलेगा? यस, आईटीसी अवेलेबल टू ऑल, अवेलेबल टू ऑल रजिस्टर्ड पर्सन्स, यानी कौन कौन रजिस्टर्ड पर्सन किसको क्रेडिट मिलेगा? सर सब रजिस्टर्ड पर्सन, यानी मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर्स, कोई भी हो चाहे, ठीक है ना? और 16 देखिए, सेक्शन 16 की कंडीशंस मैं यहां नहीं बता रहा हूं, वो तो सेटिस्फाई करनी ही पड़ेंगी, सीधी सीधी बात है, ठीक है। दूसरा, अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, अब इसमें बेटा दो चीज है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्या दो पार्ट सर? अरे बेटा 13 पैसेंजर और उससे कम और उससे ज्यादा वाले, अरे है कि नहीं?
सबसे पहले कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी लेस देन और इक्वल टू 13, और वो भी इंक्लूडिंग ड्राइवर, इंक्लूडिंग ड्राइवर, बराबर है। और दूसरा है सीटिंग कैपेसिटी ग्रेटर देन 13, मतलब अब ये इनएलिजिबल मोटर व्हीकल रहा ही नहीं, मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा, मतलब आईटीसी अवेलेबल, अवेलेबल टू ऑल रजिस्टर्ड पर्सन्स, REG रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। अब सीटिंग कैपेसिटी वो अगेन 13 से ज्यादा, 13 से कम, उस केस में क्या होगा, अगेन दो पार्ट, नॉर्मल केस और स्पेशल केसेस, ये अपन ने देखा था। नॉर्मल केसेस, नॉर्मल केस में इनका जो आईटीसी है वो नहीं मिलेगा, आईटीसी ऑन सच मोटर व्हीकल्स इज नॉट अवेलेबल इवन दो, ये लिख लो, यूज्ड इन बिजनेस, सेक्शन 16 की कंडीशन भले ही सेटिस्फाई करके आ जाओ, आईटीसी नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। इसके बाद आते बेटा स्पेशल केसेस, क्या आते हैं स्पेशल केसेस, कौन से स्पेशल केसेस है बता देता हूं, बट इफ सच मोटर व्हीकल इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई तो क्रेडिट मिलेगा, कौन सी टैक्सेबल सप्लाई, ए, कलर चेंज करता हूं, एक सेकेंड, ए, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, कार शोरूम का एग्जाम्पल दिया था, बी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का बिजनेस ही है, बस वाले या टैक्सी वाले, ये सब चीजें यहां पे आ गई। और सी है ट्रेनिंग, ड्राइविंग स्कूल वाले, ड्राइविंग, ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ट्रेनिंग या इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, ड्राइविंग सिखाना, ड्राइविंग स्कूल वाले, बराबर। तो क्या होगा, आईटीसी इज अवेलेबल, आई बात समझ में, मोटर व्हीकल के केस में पूरा, ठीक है। तो बेटा पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट में आऊंगा वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट पे, हमारा क्लॉज AA AA, ठीक है ना, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट वाज यूज्ड फॉर, अब देखिए वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट पे मतलब क्या, क्रेडिट है अवेलेबल कि नहीं है, सही सर, ब्लॉक है, क्रूज शिप हो, वेसल, जहाज, वेसल और एयरक्राफ्ट, क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपने दो नो डाउट आपने बिजनेस के लिए लिया हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन किसको मिलेगा, अगेन सेम जैसा वहां पे वैसा, समझना ध्यान से, कब मिलेगा, मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच वेसल, यानी बेचने के लिए, कंपनी से आया मुझे, बोइंग कंपनी से एयरक्राफ्ट आया और मैं वो एयरक्राफ्ट इंडिगो को बेच रहा हूं, मुझे मिलेगा, बराबर। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यानी इंडिगो, इंडिगो क्या कर रही, इंडिगो एयरलाइंस वही काम कर रही है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर उनका बिजनेस है, बराबर। तीसरा, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग सच वेसल, जैसे कार चलाने की ड्राइविंग स्कूल रहती वैसे वेसल चलाने की भी नेविगेटिंग की ट्रेनिंग स्कूल रहती, उनको मिलेगा क्रेडिट वेसल का। इम्पार्टिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट, ये भी अगेन ट्रेनिंग ऑफ एयरक्राफ्ट उस पर मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का वहां भी था, यहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि क्रेडिट किस पे ब्लॉक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स पे ब्लॉक है, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स पे क्रेडिट ब्लॉक नहीं है। इसका मतलब ITC ऑन वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट यूज फॉर एनी पर्पज अदर देन एलिजिबल पर्पज, एलिजिबल पर्पज के लिए यूज करेंगे तो क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आई बात समझ में बेटा? ये और क्लियर होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अभी के लिए बेटा इसमें ज्यादा ऐसा एक्सप्लेन करने जैसी चीजें नहीं है, मतलब ऐसा है तो है, ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो चलिए इसके लिए भी अपन चाहे तो चार्ट एक बना सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं, है ना। सेक्शन 17(5AA) वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, अगेन वही दो पार्ट कर देते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो एक है यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स बोलो, पैसेंजर्स बोलो, और दूसरा यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो गुड्स का क्या होगा सर? इसका तो ITC मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, यस, ITC अवेलेबल टू ऑल रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, इसके बाद और क्या है? हाँ सर, आगे ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, एक नॉर्मल केसेस, एक आपके स्पेशल केसेस। अब नॉर्मल केस में क्या होगा? ITC मिलेगा? बिल्कुल नहीं, ITC इज नॉट अवेलेबल इवन दो यूज फॉर बिजनेस, लिख सकते हैं इवन दो, किसी किसी के दिमाग में रह सकता है बिजनेस के लिए, अरे नहीं सेक्शन 16 की मतलब ही नहीं है यहाँ पे, सेक्शन 16 की कंडीशन सेटिस्फाई करे तभी आप 17 के अंदर आए हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली ब्लॉक किया है, ठीक है। नॉट अवेलेबल इवन दो यूज्ड इन बिजनेस, और स्पेशल केसेस के अंदर क्या होगा जरा ध्यान देना। बट इफ सच वेसल, या इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, बट इफ यूज्ड फॉर फॉलोइंग एलिजिबल पर्पस, कौन कौन से एलिजिबल पर्पस है? एक है फर्दर सप्लाई, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तीसरा है ट्रेनिंग इम्पार्टिंग, है ना, ट्रेनिंग देना काय का वेसल का, अगेन सेम चीज है ट्रेनिंग इम्पार्टेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, एयर फ्लाइंग स्कूल जो रहती है एयरक्राफ्ट, वो भी यहाँ पे आ गया। और पांचवा एक और चीज अपन ने देखा था क्या? नहीं, इतना ही था, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स तो अपन ने अलग लिख दिया, पांचवा था, ठीक है। तो इनका क्या होगा बोलो? इनका ITC मिलेगा, आई बात समझ में? ITC अवेलेबल, चलिए ठीक है, ये भी अपना हो गया। आगे चलेंगे बेटा, अब जरा AB पे ध्यान देना, बड़ा काम की चीज है। AB कहता है एक सेकंड, जनरल इंश्योरेंस, देखिए बेटा ये जो मोटर व्हीकल है, वेसल्स है, एयरक्राफ्ट है, इनका इंश्योरेंस भी होता है, समझ रहे नहीं समझ रहे? इनका इंश्योरेंस भी किया जाता है, इनके रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी होते हैं, इनकी सर्विसिंग भी करवानी पड़ती है, ये सारी सर्विसेस रिलेटिंग टू व्हाट? इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल दो पार्ट है, एलिजिबल और इनएलिजिबल, लेकिन वेसल्स सारे ब्लॉक्ड है, एयरक्राफ्ट सब ब्लॉक्ड है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है? अगर इफ प्रोवाइडेड फॉर अदर पर्पस, बराबर है।
such service relating to ineligible motor vehicle, vessels, aircraft when used for eligible purposes, तो क्रेडिट मिलेगा. मतलब देखिए कॉलम टू क्या है, क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो किसका क्रेडिट नहीं मिलेगा सर? जनरल इंश्योरेंस सर्विस का क्रेडिट नहीं मिलेगा, सर्विसिंग कराई उसके सर्विस का क्रेडिट नहीं मिलेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के आईटीसी का आईटीसी नहीं मिलेगा. किससे? इनएलिजिबल मोटर व्हीकल से रिलेट करते, वेसल से रिलेट करते, एयरक्राफ्ट से रिलेट करते, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा. सीधी सीधी बात यह है सर. लेकिन कब मिलेगा? अगर सच सर्विसेज रिलेटिंग टू इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स व्हेन यूज फॉर एलिजिबल पर्पस. अगर वो इनएलिजिबल, देखिए यहां देखा था अपन ने, अगर ये इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स एलिजिबल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं तो उनके आईटीसी मिलते हैं. अगर उनके आईटीसी मिलते हैं तो उनसे रिलेटेड जो सर्विसिंग है, जो जनरल इंश्योरेंस है और जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, उसके भी क्रेडिट मिलेंगे. वेरी गुड. Such service when received by manufacturer of ineligible motor vehicle, vessels or aircraft, manufacturer अगर वो कोई सर्विस रिसीव कर रहा है, मान लीजिए कार शोरूम वाला है, अब व्हीकल बिगड़ गया है, अब वो अगर किसी इंजीनियर से सर्विस ले रहा है उस कार को ठीक करने के लिए, तो अगेन सर्विस किसने ली? मैन्युफैक्चरर ने फॉर फर्दर सप्लाई, उस वाली बात हो गई. सप्लायर ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस इज एलिजिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल इंश्योर्ड बाय हिम. अगर उसको कोई जनरल इंश्योरेंस सर्विस मिलती है तो भी क्रेडिट मिलेगा. यानी सप्लाई ऑफ फर्दर सर्विस, सीधी सीधी बात है. ये दोनों भी आपके क्या कहे जाएंगे? सेम बिजनेस लाइन वाली बातें हैं. ये क्या है? सेम बिजनेस लाइन. अब मारुति के अंदर कई बार ऐसा होता है, बेटा देखो मैं बताता हूं, मारुति जनरल, मारुति सुजुकी लिमिटेड तो कंपनी है जो सेल करती है, एक मारुति जनरल इंश्योरेंस नाम की भी कंपनी है और एक मारुति जनरल एसेसरीज नाम की भी कंपनी है. ठीक है, मैं अभी तो अपने काम के लिए इंश्योरेंस की बात है इसलिए वो बात करूंगा. मारुति जनरल इंश्योरेंस इज ए कंपनी प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस सर्विस ऑन मोटर व्हीकल्स. बराबर है. अब ये इनएलिजिबल, मुझे अगर सर्विस दी मारुति ने, ऑब्वियसली इनएलिजिबल. लेकिन मारुति कई बार री इंश्योरेंस करती है, मतलब मारुति आपको मारुति सर्विस देंगी, यानी आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस आपको दिखेगा कि मारुति कर रही है और आपको डॉक्यूमेंट्स भी मारुति के मिलेंगे, मारुति जनरल इंश्योरेंस के. लेकिन मारुति क्या करती है, उसी गाड़ी को फर्दर री इंश्योरेंस करवाती है, मान लीजिए ओरिएंटल इंश्योरेंस से. तो इसका मतलब क्या हुआ, मारुति सुजुकी को ओरिएंटल इंश्योरेंस ने सर्विस दी और वही सेम सर्विस इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस इंश्योरेंस वाली मारुति ने आपको दे दी. तो यहां मारुति को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर जो ओरिएंटल इंश्योरेंस सर्विस मिली उसका क्रेडिट मिलेगा, लेकिन मारुति ने जो आपको लगा के दिया है उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा. ऐसा ही होता है इसके रिपेयर्स वगैरह के केस में, मैन्युफैक्चरर के केस में, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसकी वो इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वाले को कोई मारुति सुजुकी को कोई सर्विस मिली, या वैसे बनाने वाले कोई सर्विस मिली, या एयरक्राफ्ट बनाने वाले को इस बोइंग को कोई सर्विस मिली, तो वो सर्विस का उनको क्रेडिट मिलेगा क्योंकि वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, वो चीज बना के बेच रहे हैं बेटा. दे आर इन मैन्युफैक्चर, दे आर इन मैन्युफैक्चरिंग. बराबर है. यानी साफ भाषा में अगर बताऊं तो यह जरा ध्यान दे देना, ITC is not allowed on service of insurance, servicing, repair and maintenance relating to motor vehicles, vessels or aircraft on which ITC is not allowed. ऐसे motor vehicle, ऐसे vessels, ऐसे aircraft जिसके ऊपर ITC नहीं मिल सकता, ऊपर वाली condition block है, तो उनके ऊपर अगर general insurance service या servicing की service या repair and maintenance service हो तो उसका भी क्रेडिट आईटीसी नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आईटीसी इज अलाउड ऑन सर्विसिंग ऑफ जनरल इंश्योर ऑन सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल्स वेसल एयरक्राफ्ट आईटीसी ऑन विच इज अलाउड. ऐसे मोटर व्हीकल्स, ऐसे वेसल्स, ऐसे एयरक्राफ्ट जिसका आईटीसी अलाउड हुआ है तो उसका सर्विसिंग इंश्योरेंस और साथ ही साथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर कोई आईटीसी होगा तो वो भी अलाउड हो जाएगा. अब आईटीसी अलाउड है कि नहीं, ये क्लॉज ए और ए में देखना पड़ता है. सिंपल सी बात, एक मोटर व्हीकल का, एक उसका. ठीक है, इसके बाद एक और चीज, अब पहले एक फोर्थ पढ़ाने के पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा मैं फोर्थ पढ़ाने के पहले एक चीज और बताऊंगा. पहले एक बदमाशी होती थी. क्या बदमाशी होती थी सर? चलिए बताता हूं, ध्यान देना, ऐसे ही कैजुअली बता रहा हूं ये चीज.
आपने बोला आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है सर नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। चलिए एक बीपीओ कंपनी है, ध्यान देना बेटा, एक बीपीओ कंपनी है, अपने एम्प्लॉइज को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अगेन पर्सन्स के लिए कुछ गाड़ियां चाहिए, इनको 10 गाड़ियां चाहिए। तो आपने कहा 13 सीटर से कम वाली, तो आपने कहा आईटीसी नहीं मिलेगा, बराबर है। मोटर व्हीकल, इनको 10 कार खरीदना है, कार परचेज करना है, तो ये इनएलिजिबल मोटर व्हीकल है, आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया इन्होंने, जरा ध्यान देना, एक नई कंपनी बनाई, एक न्यू कंपनी बनाई, और वो कंपनी क्या करती है, कार खरीदती है, कार खरीदती है, वो भी 10 कार, और ये 10 के 10 कार इस बीपीओ कंपनी को लीज पे दे देती है। क्या करती है, लीज पे देती है। अब समझ लो इन्होंने कार खरीदी। अच्छा ये कंपनी का एक और बता देता, सेपरेट सेपरेट कंपनी है, और साथ में सेपरेट पैन नंबर भी है, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये जीएसटीन अलग और इसका जीएसटीन ऑब्वियसली अलग, और लीज पे दे दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, इसको ये जो कंपनी है, ये जो कार है, ये जो 10 कार खरीदेगी, ये कंपनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए यूज कर रही है, लेकिन इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस, इनका धंधा ही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करना, और लीज, देखिए सब टैक्सेबल सप्लाई, लीज सप्लाई की डेफिनेशन में सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल सब आ जाता है। और ये लीज पे दिया, मतलब ये कार का आईटीसी ले सकते हैं, ये कंपनी, ये न्यू कंपनी इस आईटी 10 कार का, मोटर व्हीकल का आईटीसी ले सकते हैं, एलिजिबल है। अरे देखिए ना, एलिजिबल है कि नहीं, देखिए मोटर व्हीकल कब मिलता है, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर टैक्सी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और वो मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई का मतलब क्या है, सेल, ट्रांसफर, लीज, क्या लीज मतलब सप्लाई है, हाँ, ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, हाँ। बीपीओ कंपनी को लीज पे दिया, बीपी कंपनी को सप्लाई पे दिया, काय के लिए, सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, क्रेडिट मिलेगा, ये एलिजिबल सर्विस के अंदर आ जाएगा। तो इसने क्रेडिट ले लिया, और लीज सर्विस पे मैं भी क्रेडिट ले सकता, इस पे तो कोई ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग है ही नहीं। अरे कुछ भी किया, आईटीसी तो खाया ना, ऐसे नहीं खा के, ऐसे खाया, लेकिन आईटीसी तो खाया। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया और ये चौथा क्लॉज डाला, ये चौथा, इसको भी ब्लॉक कर डाला। क्या, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ व्हाट, मोटर व्हीकल, वेसल्स, एयरक्राफ्ट ऑन विच आईटीसी इज नॉट अलाउड, ऐसे मोटर व्हीकल, ऐसे एयरक्राफ्ट, ऐसे वेसल्स जिसपे हमने आईटीसी अलाउ नहीं किया है, अगर आप उनकी लीजिंग करोगे, रेंटिंग करोगे या हायरिंग करोगे, आईटीसी नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये देख लो, नॉट अलाउड। और नॉट अलाउड कैसे पता चलेगा, ये ऊपर 1 2 3, अभी देखा नहीं था क्या, आता पहले यहाँ पे अपन, है ना, यानी अब मिलेगा कब वो देख लो। सच सर्विस व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई फॉर सेम कैटेगरी ऑफ सर्विस और इज एन एलिमेंट टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई, ठीक है ना, कभी मिक्स सप्लाई या टैक्सेबल सप्लाई आप कर रहे हैं आउटवर्ड सेम लाइन ऑफ बिजनेस, यानी ये क्या हो गया, सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाली बात हो गई। सच सर्विस व्हेन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, अब जैसे होटल है, आपने होटल की सर्विस ली, तो उसके साथ वो ड्रॉप एंड गो फैसिलिटी भी देता है, एयरपोर्ट से ड्रॉप करेंगे, तो ये कंपोजिट टैक्सेबल या मिक्स्ड रहे तो आईटीसी मिलेगा। व्हेन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय अंडर स्टैचूटरी ऑब्लिगेशन, ये बड़े काम की चीज है, स्टैचूटरी ऑब्लिगेशन मतलब ऐसी चीज, ये जो सच सर्विस प्रोवाइड क्यों की, स्टैचूटरी ऑब्लिगेशन में की, और एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज को की, अगर बेटा स्टैचूटरी ऑब्लिगेशन के तहत अगर कोई चीज आती है तो उसका आईटीसी मिलता है। ऐसा आगे और अपन देखेंगे, फूड बेवरेज वगैरह केस में, कैंटीन वगैरह अगर खोलते तो, खैर वो आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर स्टैचूटरी ऑब्लिगेशन है, स्टैचूटरी ऑब्लिगेशन यानी इट इज एन ऑब्लिगेशन रिकग्नाइज बाय लॉ, यानी लॉ कहता है कि ऐसा आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लॉ कर दे कहता है करना पड़ेगा, तो फिर आईटीसी भी दो भैया, सीधी सी बात है, हम क्यों बैर करें, आईटीसी मिलेगा। आई बात समझ में, यानी इसका मतलब क्रक्स क्या हुआ, आईटीसी ऑन लीजिंग
रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स वेसल्स एयरक्राफ्ट ऑन विच आईटीसी इज अलाउड, जिसपे आईटीसी 1, 2, 3 में अलाउड हुआ था, तो यस अलाउ होगा. आईटीसी ऑन सच सर्विस इज अलाउड इन केस ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग, दैट इज व्हेन सर्विसेज आर यूज्ड बाय टैक्स पेयर हु इज सेम लाइन ऑफ बिजनेस. मतलब क्या हुआ, देखिए मेरा टैक्सी रेंट करने का काम है, बराबर है, और मैं किसी और से लीज रेंट पे मोटर व्हीकल हायर कर रहा हूं और किसी और को दे रहा हूं. मेरे पास 10 कार है, एक होटल का मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला और वो मुझे 20 कार सप्लाई करने के लिए कहते हैं. अब मेरे पास तो 10 ही कार है लीज पे, मैं 10 ही कार उनको हायरिंग या रेंटिंग या लीज पे दे सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं, 20 की 20 हाँ मैं सप्लाई कर दूंगा, लेकिन 10 मैं अपनी बेचता हूं और 10 मैं किसी और की लाके बेच देता हूं. तो यहां पे दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एक तो मैंने होटल वाले को दिया, तो होटल वाले को आईटीसी नहीं मिलेगा, मतलब उस चीज का जिसका मोटर व्हीकल का उसको अलाउड नहीं था, होटल वाला खुद की कार, देखो इसमें सोचना क्या पता है, अगर वो खुद की कार खरीदता तो उसको आईटीसी मिलता क्या, नहीं मिलता ना, तो ये लीज पे लेगा तो भी नहीं मिलेगा, सीधी सीधी बात है. अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया, ये बीपीओ अपनी खुद की कार खरीदता तो क्या आईटीसी मिलता क्या, नहीं मिलता सर, तो लीज पे लेगा तो भी नहीं मिलेगा, बराबर है. लेकिन अब यहां पे आप इमेजिन करिए मेरी सिचुएशन, मैंने 10 कार तो सप्लाई कर दी होटल को, लेकिन मैंने भी तो 10 कार ली है किसी और से, तो वो मैंने क्या लिया, इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस मैंने क्या किया, सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया, चीज समझ लो, मुझे 20 का ऑर्डर मिला, मैंने दूसरे को बोला कि 10 तो मैं अपनी भेजा, 10 तू भेज दे, सब कॉन्ट्रैक्ट किया, वो 20 कार में से 10 कार का मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया दूसरे को, चल तू होटल भेज, तो वो तो बिल मुझे देगा, सामने वाला तो बिल मुझे देगा, वो भी जीएसटी लगा के देगा, उसका आईटीसी मुझे मिल जाएगा. आई बात समझ में, ऐसा सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाला जो भी केस रहेगा बेटा, उसका आपको आईटीसी मिलना ही मिलना है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी. चलिए ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं. अब बेटा इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये एग्जांपल्स आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूं, ये आप एग्जांपल्स पढ़िए, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएंगी, बहुत बढ़िया क्लैरिटी आएंगी. चलिए एक चार्ट और हम बना सकते हैं अगर आप लोग चाहते हो तो. क्लॉज बी के बाद नहीं, इसमें क्या चार्ट बनाना, छोटा सा है ये, जाने दो. चलिए ये हो गया, ये आप लोग के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स है, आईटीसी ऑन बस वगैरह, ठीक है ना. तो ये ढेर सारे एग्जांपल दिए, अब 1, 2, 3, 4, ओके, चार एग्जांपल शायद नोट्स में नहीं आए हैं बेटा, ये चार एग्जांपल नोट्स में नहीं है, आप इसको नोट कर लेना प्लीज पॉज करके, ये चार नोट्स में प्रिंटिंग में नहीं आए हैं, ये चारों एग्जाम्पल प्रिंटिंग में नहीं आए, प्रिंटिंग मिसिंग हो रही है यहां पे. इसको आप नोट कर लेना, और ये सब आपके प्रिंटिंग में आए हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है. मैं नेक्स्ट क्लॉज पे आऊंगा, क्लॉज बी, फूड बेवरेजेस आउटडोर कैटरिंग हेल्थ सर्विस एंड अदर सर्विस, यानी ब्लॉक्ड क्रेडिट, ऐसी कोई सर्विस अगर आपने ली तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. किस किस का नहीं मिलेगा, ध्यान देना, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, कम ऑन, इसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा. ब्यूटी ट्रीटमेंट क्या होता है, ब्यूटी ट्रीटमेंट भी कोई सर्विस लेता, हाँ, फिल्म प्रोड्यूसर ने कोई एक्टर रखा उसके लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस दी, बराबर है, ये भी हो सकता है. फैशन डिजाइनिंग कंपनी है मेरी, फैशन डिजाइनर तो कपड़े पहनाते, उसके बाद ब्यूटी ट्रीटमेंट, उसके पहले ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाते ना फैशन डिजाइनर लोग, वो सर्विसेस ली मैंने, उसका सबका क्रेडिट नहीं मिला. मेरी फैशन डिजाइनिंग कंपनी है, कपड़े पहनाते और रैप पे वॉक करवाते हैं, तो ऐसे ही भेज देंगे कि उसका ब्यूटी ट्रीटमेंट कुछ तो करवाना पड़ेगा ना, मैंने सर्विस ली ब्यूटी ट्रीटमेंट की, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. चीज समझ लेना, क्या क्या नहीं मिलेगा, फूड बेवरेजेस का नहीं मिलेगा, आउटडोर कैटरिंग का नहीं मिलेगा, ब्यूटी ट्रीटमेंट का नहीं मिलेगा, हेल्थ सर्विसेज का नहीं मिलेगा, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी इसका नहीं मिलेगा, हेल्थ सर्विस का वैसे भी टैक्सेबल, लेकिन हेल्थ सर्विस के अंदर ये आता है आपके क्या बोलते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट हेल्थ सर्विस में आता है, तो हेयर ट्रांसप्लांट इज टैक्सेबल, है ना, अपन ने पढ़ा था, एग्जेम्पशन में नहीं आता वो, तो उसका सबका क्रेडिट नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा. दो यूज्ड इन फंड कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इनवॉइस है, वो सब 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 कोई मतलब नहीं हमारे को. आई बात समझ में, लेकिन कब मिलेगा, कब मिलेगा,
सेम लाइन ऑफ बिजनेस ही यहाँ पे, नहीं सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है, हाँ एक सेम लाइन ऑफ बिजनेस पे रहेगा तो क्रेडिट भी लेगा, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे इंक्लूडिंग हेयर ट्रांसप्लांट लिख सकते हैं आप, इंक्लूडिंग हेयर HAIR सॉरी ट्रांसप्लांट, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन, अब अगेन वैसे ही पढ़ना है जैसे वहां पढ़े थे। एक्सेप्शन क्या है इसके, सच गुड्स यूज और सर्विस व्हेन यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई तो क्रेडिट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सिंपल एग्जाम्पल है, अगर वही सेम यदि मतलब मैं आउटडोर कैटरर हूं, मैं नागपुर में काम करता हूँ और मुझे औरंगाबाद में कोई काम मिलता है, अब मैं वहां जाके करने से अच्छा मैं औरंगाबाद के कैटरर जो मेरे कांटेक्ट में है, जो मेरे पहचान का है, मैं उसको फोन करता हूँ, भैया यहाँ यहाँ पे इतने इतने प्लेट की कैटरिंग सर्विस दे देना, ठीक है। अब वो मुझे बिल देगा, मैं इधर बिल दूंगा, तो वो जो मुझे बिल देगा GST लगाएगा, उसका ITC मुझे मिल जाएगा, समझ भाई, ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, मुझे मिल जाएगा। लेकिन जिस कंपनी को मैंने वो आउटडोर कैटरिंग सर्विस दी, क्या उसको मेरे बिल पे जो मैंने ITC लगा के टैक्स GST लगा के दिया है वो मिल जाएगा कि क्रेडिट उनको, नहीं उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आई बात समझ में, यानी एक बेसिक फर्क बताऊं क्या बेटा, बेसिक जरा ध्यान देना, बहुत काम की बात बता रहा हूं, बहुत काम की, समझे तो दाद देना नहीं तो जाने देना, ठीक है ना। पहले लिखता हूं, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड का, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड का अगर पार्ट है आपका एक्सपेंस तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ITC नॉट अवेलेबल। लेकिन अगर ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है तो ITC मिलेगा, कॉमन सेंस सोच के देखो। चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट में आप कौन कौन से खर्चे दिखाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से खर्चे दिखाते हो? सर ट्रेडिंग अकाउंट में सेल परचेस और प्रॉफिट रहता है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेल परचेस, बस इसके अलावा कुछ नहीं रहता, बराबर है ना। यानी ट्रेडिंग अकाउंट में वो आइटम लेते हैं जो फर्दर सप्लाई के लिए, कम ऑन काय के लिए देते हैं, फर्दर सप्लाई के लिए लिए जाते हैं। अरे परचेस एक्सपेंडिचर थोड़ी है, दो डाउट वो पीएनएल के डेबिट साइड में, लेकिन वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में है सर, उसको खरीद के उसको बेचते हैं सर हम, बराबर है ना। अरे हाँ कि ना, वैसे ही बेटा वैसे ही यहाँ पे, और पीएनएल के डेबिट साइड में मतलब उसकी ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हैं, वो तो खर्चे हैं, तो पीएनएल के डेबिट साइड का अगर पार्ट है मेरा ये, जैसे मैं कंपनी हूं, मैंने वो आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज ली किसी से, तो वो मेरा बिजनेस नहीं है, वो मेरे पीएनएल में मैं डेबिट करूंगा, मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट नहीं करूंगा उसको, कम ऑन। मेरा बिजनेस समझ लीजिए क्लॉथ्स का मेरा बिजनेस है, तो वो कैटरिंग सर्विसेज मैंने ली अपने क्लाइंट्स को खाना खिलाने के लिए वगैरह वगैरह, तो वो मेरा ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है मेरा, वो क्या का बिजनेस है, मेरा कपड़े का बिजनेस है, और वो मैं पीएनएल अकाउंट में डेबिट करूंगा। लेकिन हल्दीराम वाला, अब हल्दीराम वाले ने फूड बेवरेजेस जैसे लेस से चिप्स ली उसने और भी कुछ फूड, अलग अलग ब्रांड के फ्रूट रखता है ना अपने स्टोर के अंदर वो, अरे हाँ कि ना, तो बिग बाजार वाला जो भी है, तो उसने काय के ले लिया, उसका ट्रेडिंग है गुड्स है उसके लिए, वो उसके लिए गुड्स है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेगा, तो उसमें GST मिलेगा कि नहीं, काय के लिए यूज कर रहा वो सर, फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रहा है, मेकिंग फर्दर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, क्रेडिट मिलेगा। समझ आया, बड़ा बेसिक क्लियर है, बेसिक चीज है बेटा ये कोई टीचर नहीं बताने वाला आपको, ठीक है ना, तो ये बड़ी बेसिक चीज है, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जैसे अब इसमें कंपोजिट सप्लाई भी है, अब जैसे कंपोजिट यानी नेचुरली बंडल बोलो या मिक्स सप्लाई आपने किया, अब जैसे एयरलाइन में आप बैठे फ्लाइट में, तो टिकट के साथ आपको खाना भी दिया गया, कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। अब एयरलाइन वाले को वो कंपोजिट सप्लाई के अगेंस्ट में, समझना बात, वो जिसने भी फूड सप्लाई किया होगा एयरलाइन कंपनी को, उसको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, लिखा है यहाँ पे, या इट इज एज इट इज अ पार्ट और एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। अभी जैसे मैंने सोचा, सुना समझ लो, मैंने सोचा कि भी जब मैं वनडे रिविजन क्लास लूंगा GST की, तो जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको एक एक हल्दीराम की थाली भी दूंगा,
भैया आप लंच वगैरह घर से मत लेकर आओ, आप सुबह 7 बजे से आओगे, कहाँ लंच लाओगे, सुबह 7 से आपको रात को 7 बजे तक बैठना है, तो आप ब्रेकफास्ट करके आओ, सुबह 8 से समझ लो रात को 6 बजे तक बैठना है, आप सिर्फ ब्रेकफास्ट करके आओ, लंच मैं प्रोवाइड करूंगा। तो मैं हल्दीराम वाले को बोलता हूँ भैया एक एक थाली आप दे दीजिए, तो और मैंने जो फीस ली उसके अंदर ऑब्वियसली वो थाली की कॉस्ट इंक्लूडेड है, बराबर है, समझ रहे नहीं समझ रहे? क्या ये नेचुरली बंडल्ड है कि मैंने किया? नहीं, नेचुरली कौन दे रहा है आपको क्लास के साथ खाना? नहीं, कोई नहीं दे रहा सर, ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, आपने बंडल किया, तो ये कंपोजिट नहीं है, मिक्स सप्लाई हो जाएगा। तो भी कम ऑन, क्या मुझे इसका क्रेडिट मिल जाएगा? यस, मिल जाएगा। आई बात समझ में? मिक्स सप्लाई है ना बेटा, लिखा है वहां पे मिक्स सप्लाई या कंपोज सप्लाई के लिए अगर आप यूज करते फूड बेवरेजेस क्रेडिट मिलेगा। आई बात समझ में? और मैं ऐसे ही खरीद के बेच रहा हूं, ऐसे ही आप लोगों को दे रहा हूं, यानी समझ लीजिए टैक्सी क्लास कंप्लीट हुई, मैंने आपको पार्टी दी, कैटरिंग सर्विस, आउटडोर कैटरिंग, उसमें फूड बेवरेजेस वगैरह, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ माय सर्विस। वन डे रिवीजन बैच ले रहा था वो मेरे सर्विस का पार्ट था, और ये कैटरिंग शादी बोल रहा हूं, क्लास कंप्लीट होने के बाद पार्टी दे रहा हूं, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सर्विस। आई बात समझ है? नॉट मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई या उसका ना मिक्स सप्लाई ना कंपोजिट, सीधी सीधी बात है, तो उसके अंदर आउटडोर कैटरिंग सर्विस यूज करूंगा या फूड बेवरेजेस यूज करूंगा बेटा, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो मुझे कोई आउटडोर कैटरिंग सर्विस दे रहा है और वो कैटरिंग सर्विस वाला कोई फूड बेवरेज खरीद रहा है, उसका क्रेडिट उसको मिलेगा क्योंकि वो मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई, आउटपुट सप्लाई। आई होप आप समझ रहे हो, बराबर है ना? क्योंकि उसके लिए वो पीएनएल के पार्ट हो गए, वो कैटरिंग वाले के लिए वो पीएनएल का पार्ट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, समझ रहा ना? सच गुड्स एंड सर्विसेज वेर प्रोवाइड बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉयर अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ये बड़े काम की चीज है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, माइनिंग का बिजनेस है मेरा, माइनिंग का बिजनेस है। अब माइनिंग बिजनेस यानी खदान के अंदर जाके खोदना, कोयला वगैरह, इसमें अपन वो लगाते हैं, क्या कहते हैं, एक्सप्लोजिव वगैरह लगाते, तो हेल्थ को काफी रिस्क रहता है किसके, एम्प्लॉयज के। तो माइनिंग बिजनेस जो लोग करते हैं उनको स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन है कि आपको आपके एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, आपको आपके एम्प्लॉयज का लाइफ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। दो हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पे क्रेडिट ब्लॉक है, लेकिन अगर स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन के तहत आपने ये किया, क्रेडिट मिल जाएगा। स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया। या फिर कई जगह, कई फैक्ट्रीज में ऐसा रहता है कि इतने अगर पर्टिकुलर लोगों से ज्यादा आपके यहाँ काम करते, पर्टिकुलर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम करते हैं, तो आपको कैंटीन लगानी पड़ेगी, यानी वहां कैंटीन फैसिलिटी आपको देना पड़ेगा। तो कैंटीन फैसिलिटी देना पड़ेगा तो अगेन फूड बेवरेजेस लगेंगे उसमें, तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? क्यों क्यों कैंटीन लगाई आपने? स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन है, स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, फिर भी आपने कैंटीन लगाई तो आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है। आईटीसी ऑन सच गुड्स एंड सर्विसेज अलाउड इन केस ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग, दैट इज वेन सच गुड्स और सर्विस आर यूज्ड बाय टैक्स पेयर इन हुज सेम बिजनेस, एग्जांपल आउटडोर करिए, अभी आपको मैंने बताया औरंगाबाद वगैरह का एग्जाम्पल, यह स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन है। When such goods or service are provided by employee to its employee without any such, अगर statutory obligation नहीं है और फिर भी आपने दिया तो credit block है, लेकिन अगर statutory obligation है तो credit block नहीं है। ठीक है ना बेटा? ये सब करने के पढ़ने के बाद जैसे ही examples यहाँ पे जो दिए हैं वो, और साथ में जो questions अभी हम solve करेंगे वो करेंगे, तो एकदम बेटा पक्का होगा। ऐसे पक्का नहीं होती है चीजें, बराबर है ना? चलिए अब बेटा सब इजी इजी चीजें, मेन जो डिफिकल्ट और बड़ी बड़ी चीजें थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अब सब सिंपल सिंपल चीजें हमारी बचती है। ठीक है ना? जरा ध्यान दीजिए। मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, सच सर्विस व्हेन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ठीक है ना? मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ फिटनेस सेंटर, इसकी मेंबरशिप का कोई आपने पेमेंट किया और जो सर्विस, तो इसका आईटीसी नहीं मिलता है। सच सर्विस व्हेन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तब ही क्रेडिट मिलेगा। देखिए सेकंड कॉलम हमारा क्या है, थर्ड कॉलम हमारा क्या है, क्रेडिट कब मिलता है, चीज समझ रहे हैं आप? यानी अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के तहत ये काम किया गया, ऐसी कोई मेंबरशिप किसी क्लब की, हेल्थ की, फिटनेस सेंटर की, कम ऑन ऐसा दिया, तो फिर भैया क्रेडिट मिलेगा। ठीक है? और वही, व्हेन सच गुड्स और सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर्स विदाउट एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो आईटीसी इज ब्लॉक्ड, सिंपल है।
ट्रेवल बेनिफिट्स कभी दिए, ठीक है ना, ऑन वेकेशन लीव होम कंसेशन, तो इसका आईटीसी नहीं मिलता है, लेकिन अगेन सच सर्विस व्हेन प्रोवाइडेड बाय स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन तो आईटीसी नहीं मिलेगा, बराबर है। अब ये एम्प्लॉयज के लिए लिखा जा रहा है, यहां ध्यान देना, ये ट्रेवल बेनिफिट्स। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप इस मैच्योरिटी बढ़ाओ अपनी और मुझे बताना कि क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने क्लास में अनाउंस किया कि आप में से जिस बच्चे को टेक्स में 75 प्लस मार्क्स आएंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको पक्का मत, नो डाउट रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसको भी 75 प्लस मार्क्स आएंगे उसको मैं सिंगापुर का टूर फ्री दूंगा 10 दिन का, एग्जांपल है ये, जिसको भी 75 प्लस मार्क्स आएंगे उसको सिंगापुर का टूर दूंगा, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, मैंने ट्रेवल बेनिफिट आपको दिया, इस पे जो टैक्स जीएसटी लगेगा क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा क्या, सोच के बताओ। सर ट्रेवल बेनिफिट दिया, क्या आप मेरे एम्प्लॉई हो? नहीं सर, हम आपके एम्प्लॉय नहीं, हम आपके स्टूडेंट्स हैं, कस्टमर्स हो, तो स्टूडेंट को ट्रेवल बेनिफिट दिया क्रेडिट मिल जाएगा, वेरी गुड, क्रेडिट मिल। लेकिन अगर मैंने मेरे एम्प्लॉयज को दिया, कैब्स के एम्प्लॉयज को, समझ लो आप अच्छा काम करो, इतना टर्नओवर अच्छा करो, मैं आपको फॉरेन टूर देता हूं, एम्प्लॉयज को दिया तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है देने का, कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, आई बात समझ में। अब इसके लिए बेटा एग्जांपल्स दिए हैं, तो आप इसके अंदर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, तो आप चाहो तो बता सकते हो। अभी अपन ने दो चीज देखी क्लॉज बी के अंदर, यानी ये जो क्लॉज बी है हमारा, इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 देखा, पॉइंट नंबर 2 देखा, पॉइंट नंबर 3 देखा, तीनों केस के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज कवर्ड है, गुड्स और सर्विसेज, उसके लिए जरा एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। इफ इट इज ऑब्लिगेटरी अंडर एनी लॉ टू प्रोवाइड सच सर्विस आईटीसी इज अवेलेबल, और अगर ऐसा नहीं है, इफ इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी देन आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, आईटीसी नहीं मिलेगा अगर ऑब्लिगेटरी नहीं है तो। चलिए एक्सेप्शन में रातों बात अलग है, फिर मिल जाता है। अब ये आपको पढ़ना है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए बेटा, एग्जांपल्स इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए क्लॉज सी पे आते हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, जरा ध्यान देना, इसको पढ़ते जाना पड़ेगा बेटा, ये जो है सी और डी प्योर थियोरेटिकल है, प्योर थियोरेटिकल, और उसके बाद ई एफ जी तो छोटे छोटे है, ई एफ जी आई ये चार छोटे है और एच थोड़ा बड़ा, लेकिन बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, उसके अंदर हम डिटेल में नहीं जाएंगे ज्यादा। तो चलिए सी स्टार्ट करते हैं, अब बेटा क्लॉज सी तीसरे पे आते हैं, क्या ब्लॉक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करने के लिए कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसके ऊपर जो जीएसटी है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस डिफाइंड है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होती क्या है सर, असेंशियलिटीज असेंशियली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाइंग बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विस, कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट है ये, मतलब मैंने किसी ठेकेदार को बुलाया, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, तेरा मटेरियल तेरी सर्विस, तेरा मटेरियल तेरा लेबर, बराबर है ना, गुड्स भी तेरे सर्विस भी तेरी, मुझे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दे, ऐसी सर्विस को कहते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। तो आपके दिमाग में आ सकता है सर मैंने अगर बुलाया और मैंने उसको बोला लेबर तेरा मटेरियल मेरा तो क्या होगा, तो बेटा वो उसके लिए क्लॉज डी है, ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर सीजीएसटी एक्ट, एसेंशियली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग बोथ गुड्स एंड सर्विस। अब जो सी और डी है बेटा ये थियोरेटिकल है, ठीक है ना, और उसके बाद जो एक एच है वो भी थियोरेटिकल है, इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है बहुत सिंपल लेकिन पढ़ते जाना पड़ेगा। चलिए तो मैं पढ़ते जाता हूं, जरा ध्यान देना।
Definition of works contract included work in relation to both movable and immovable properties. However, under GST law, ambit of works contract had been confined only to immovable properties. यहाँ पे movable property की बात नहीं है, यहाँ पे immovable property की हमने बात की है. अब immovable property की भी definition जो है GST law में नहीं दी हुई है. It is not defined under GST law. तो अपने को दूसरी definition देखना पड़ेगा. General Clauses Act के अंदर definition है, that is anything permanently fastened to earth या attached to earth या things attached to earth या जो land से include land में include है benefit that arise out of land. अब attached to earth का मतलब transfer of property act में दिया हुआ है. They are rooted in earth like trees, shrubs, embedded in earth in case of wall or building, attached to what, embedded in permanent beneficial, ये सब GST में definition है, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. लेकिन GST law में कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को, कम ऑन, इसको सर्विस माना जाता है. ये अपन ने पढ़ा था, अगर याद है तो ठीक है, पैरा 6A ऑफ शेड्यूल 2 पेज नंबर 33 पे जाके देख लेना. इसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, सॉरी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों है उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है. बराबर है ना. तो आईटीसी ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इज ब्लॉक्ड, इसको ब्लॉक किया गया है. एक्सेप्ट व्हेन, कब एक्सेप्ट, सबसे पहले वही सब कॉन्ट्रैक्टिंग फर्दर सप्लाई, ऐसा हो सकता कि नहीं. अरे भैया आपने मुझे काम दिया पूरा, भैया ये पूरी बिल्डिंग बना के दो, इसमें से एक फ्लोर का मैं काम में किसी और सब कॉन्ट्रैक्टर को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ और वो आके बनाता है, वो तो बिल मुझे देगा, वो आप मेरे ऊपर जीएसटी लगाएगा तो उसका आईटीसी मुझे मिल जाएगा, प्रोवाइडेड इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस. बार बार ये चीज आएंगी बेटा, सोच के देखना, कॉमन सेंस, ठीक है. इफ एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं, ठीक है. ITC on works contract service can be availed only, देखिए generally blocked है, लेकिन दो cases है जिसके अंदर ये blocked नहीं है. कौन से cases में, पहला आपका subcontracting, ठीक है. ITC on contract service can be availed only by taxpayer who is in the same line of business. This is only a works contractor can avail ITC on works contract service received by him. और सेकेंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखिए आपको बोला इमूवेबल प्रॉपर्टीज बहुत, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी है क्रेडिट मिल जाएगा. अब प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन क्या, ये यहां पे दी हुई है. प्लांट मशीनरी की डेफिनेशन पूरी यहां पे दी हुई है, ठीक है. तो इसको ये इतनी प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन है, बराबर. तो जरा ध्यान देना, सबसे पहले तो प्लांट एंड मशीनरी अफिक्स परमानेंटली टू अर्थ कंस्टिट्यूट एंड इमोबल प्रॉपर्टी, हाउएवर आईटीसी ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सच प्लांट एंड मशीनरी इज अलाउड एज एन एक्सेप्शन, ये अलाउड है, ठीक है, ब्लॉक्ड नहीं है. अब कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन, इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन और रिपेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमोबल प्रॉपर्टी. मतलब जरा याद करो हमने क्या करा था. हेडिंग देखो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके. यानी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली और कंस्ट्रक्शन के लिए ली और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ली तो क्रेडिट ब्लॉक है. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं ली, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ली तो क्रेडिट अलाउड है. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सब कॉन्ट्रैक्टर ने ली तो ऑब्वियसली क्रेडिट अलाउड है. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अगर कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं ली तो अलाउड रहेगा. लेकिन कंस्ट्रक्शन मतलब क्या सर, ये रही बेटा कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन. कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आता है, रिकंस्ट्रक्शन आता है, रिनोवेशन आता है, एडिशन आता है, ऑल्टरेशन आता है, रिपेयर आता है, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन. कैपिटलाइजेशन मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में इस एक्सपेंडिचर को अगर आप कैपिटलाइज करते हो, यानी पूरा पीएनएल में डेबिट नहीं करते, इसको कैपिटलाइज करते हैं और फिर हर साल उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो इसको कंस्ट्रक्शन माना जाएगा. मतलब अगर कैपिटलाइज नहीं किया तो, इफ रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन, रिटेयर्स आर नॉट कैपिटलाइज, इट वुड नॉट टेंट अमाउंट टू कंस्ट्रक्शन. मतलब उसको कंस्ट्रक्शन नहीं बोलेंगे, और अगर कंस्ट्रक्शन नहीं बोलेंगे तो ब्लॉक्ड में बैठेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लॉक के लिए क्या होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, कंस्ट्रक्शन होना बहुत जरूरी है सर.
कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन टू द एक्सटेंट कैपिटलाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इफ नॉट कैपिटलाइज इट वुड नॉट टेंटामाउंट टू कंस्ट्रक्शन, यानी उसको कंस्ट्रक्शन नहीं बोलेंगे. एंड कॉन्सिक्वेंटली आईटीसी ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अवेल फॉर सच कंस्ट्रक्शन विच इज नॉट कैपिटलाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट वेदर फॉर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी और फॉर एनी प्लांट और मशीन वुड बी अलाउड टू ऑल रिसिपिएंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लाइन ऑफ बिजनेस. एग्जाम्पल, मेरे घर के घर में नहीं, मेरे बिजनेस में, मतलब मेरा प्रिमाइसेस है बिजनेस का, समझ लो मेरा कपड़े का काम है, और वो मेरे प्रिमाइसेस के अंदर तीन टाइल्स टूट गई और मैंने टाइल्स वाले को फोन किया भैया आ जा ये कर दे, तो बोले सर छोटा सा काम है क्या, मतलब फिर भी आ जा जो पैसे लेना है ले लेना. उसने 1000 रुपए लिए, क्या मैं इसको कैपिटलाइज करूंगा? नहीं सर कैपिटलाइज कर, मैंने इसको पीएनएल में डेबिट करके खत्म कर दिया, आईटीसी मिल जाएगा, समझ रहे हैं आप. और पीएनएल में डेबिट नहीं किया, मैंने कैपिटलाइज किया, इतने से एक्सपेंडिचर किया, कोई बड़ा एक्सपेंडिचर हुआ, मेजर रिनोवेशन रिपेयर, अगर आप उसको कैपिटलाइज करते हो नो डाउट कंस्ट्रक्शन माना जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आईटीसी ब्लॉक्ड है, ठीक है. और अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जा रहा, कंस्ट्रक्शन आपने उसका कंस्ट्रक्शन नहीं मान रहे, कैसे नहीं मान रहे, आपने सर पीएनएल में डेबिट कर दिया, उस एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटलाइज ही नहीं किया, तो ऐसे केसेस के अंदर क्रेडिट मिल जाएगा, चाहे सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो चाहे ना हो. यही बात समझ में, बहुत अच्छी बात है, समझा तो अच्छी बात, नहीं समझा तो और एक बार पढ़ना इसको. आगे, मीनिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. सर प्लांट एंड मशीनरी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन तो वैसे भी आईटीसी उसके ऊपर अवेलेबल है. देखो ना बेटा ये रहा इमूवेबल प्रॉपर्टीज प्लांट एंड मशीन, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी है तो क्रेडिट ब्लॉक नहीं है, ठीक है. प्लांट एंड मशीनरी मतलब क्या, इट मींस अपैरेटस इक्विपमेंट मशीनरी फिक्स टू अर्थ बाय फाउंडेशन स्ट्रक्चर सपोर्ट दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई गुड्स बट इंक्लूड सच फाउंडेशन स्ट्रक्चर सपोर्ट बट एक्सक्लूड्स लैंड बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर टेलीकम्युनिकेशन टावर पाइपलाइन लेड आउटसाइड फैक्ट्री प्रीमाइसेस. मतलब क्या हुआ इसका समझ लो, प्लांट एंड मशीनरी किसी जमीन पे रहेंगे किसी बिल्डिंग के अंदर रहेंगे. एग्जाम्पल लिफ्ट की बात कर लेते हैं, तो लिफ्ट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है ना. अब समझ लेना, लेकिन उसका जो कभी कभी मशीन रखने के लिए एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट बनाना पड़ता है, तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा. स्ट्रक्चरल सपोर्ट नो डाउट इज अ कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन वर्क है, लेकिन उसका क्रेडिट मिलेगा. अब एक बिल्डिंग में लिफ्ट है, अब ध्यान देना, प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट मिलता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट मिलता है, प्लांट एंड मशीनरी इज एन एक्सेप्शन, यानी आईटीसी ब्लॉक नहीं है. लेकिन प्लांट एंड मशीनरी क्या नहीं है, लैंड इज नॉट प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर टेलीकम्युनिकेशन टावर, ये सबसे बड़ी बात हो गई. हाँ अगर जियो वाले ने मोदी जी के साथ मिलकर कुछ बात करी तो कुछ हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन टावर, यानी प्रेजेंटली अगर टेलीकम्युनिकेशन टावर बनाते हैं तो इट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इज नॉट द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जी आईटीसी नहीं मिलता, नो डाउट. अभी टेलीकम्युनिकेशन टावर, अभी रिलायंस वाले टेलीकम्युनिकेशन टावर बनाते, समझ लो, तो क्या टेलीकम्युनिकेशन टावर बनाना उनका बिजनेस है कि मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करना उनका बिजनेस है? सर मोबाइल सर्विस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करना बिजनेस है, टेलीकम्युनिकेशन टावर का बिजनेस नहीं, सेम लाइन बिजनेस मत बोल देना. हाँ मुझे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया और मैंने किसी और को बोला चल रहे टेलीकम्युनिकेशन टावर बांध के दे, ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग में आ जाएगा, ठीक है ना. एंड पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बाहर अगर आप कोई पाइपलाइन लगाते हो तो अगेन इट विल, इसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा. अब ये बड़े काम की चीज, तीनों जरा ध्यान देना. ITC on works contract service available for construction of eligible plant and machinery is allowed to the irrespective line of business. For instance, ITC on works contract for construction of machinery fixed to earth by foundation will be allowed. However, ITC on works contract service for construction of telecommunication tower is would be blocked. और ये जो foundation बनाएंगे ना बेटा, foundation यानी civil structure बनाए, जैसे बहुत बड़ा generator आपने बनाया और वो generator रखने के लिए एक बड़ा foundation, civil structure, cement वगैरह सब खरीद के लाना पड़ा, तो उसको भी प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा, ना उसको भी बनाने का क्रेडिट आपको मिलेगा, सीधी सीधी बात, ठीक है. अब ये देखिए यहां पे एक और चीज बता दो, टेलीकम्युनिकेशन टावर पे ही रिस्ट्रिक्शन लगाया है, इलेक्ट्रिकल टावर पे नो रिस्ट्रिक्शन, इलेक्ट्रिकल टावर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना. जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अगर इलेक्ट्रिकल टावर लगाती है तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बात जरा ध्यान में रखना बेटा, ठीक है. तो इंपॉर्टेंट चीज, अब क्या इंपॉर्टेंट रह गया,
ITC on works contract service for construction of immovable properties available only in following three situation. Kya? Works contract service availed by works contractor for being used in providing works contract service and subcontracting in the same line of business. Usko milenga. Construction of plant and machinery milenga. Like in this case, ITC is allowed to all recipient irrespective of their line of business. Or when the value of works contract service is not capitalized, ye bhi aapko bataya. In this case, ITC is allowed to all recipient irrespective of their line of business. Aayi baat samajh mein. Ab isi cheez ke upe examples diye hai. Ye examples beta aap pad sakte hai. यानी बेसिक तो पहले ना ही समझना है. कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी का आईटीसी नहीं मिलता, ठीक है ना. कुछ भी लिया तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी अगर आपने लिया तो उसका आईटीसी नहीं मिलता. कुछ भी लिया मतलब क्या, इनपुट इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है ना, उसका आईटीसी नहीं मिलता. लेकिन कुछ कुछ केसेस में मिलता है. कैपिटलाइज नहीं किया आपने, प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है ना, और साथ ही साथ सेम सब कॉन्ट्रैक्टर वाले को मिलता है, ठीक है. कैपिटलाइज नहीं किए तो आपको बता दिया, बाकी तो सब नॉर्मल है. हाँ, टेलीकम्युनिकेशन टावर का नहीं मिलता, बताया आपको. ये एग्जांपल्स आपके लिए होमवर्क है बेटा, इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना. हाँ, अब इसमें फिर लोगों ने क्या दिमाग लगाया, ठीक है सर आपने तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को ब्लॉक किया ना, हम एक काम करते हैं, सर्विस अलग मटेरियल अलग. मतलब मैं बिल्डिंग बनवाता हूं, इमोबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करवाता हूं, लेकिन मैं विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा है ना, मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा भैया, मुझे तेरा सिर्फ लेबर चाहिए और मटेरियल मैं दूंगा. अलग अलग कर दिया मैंने अब दोनों को, देर आर टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट. तो ऐसे केस में क्या होगा, तो इसे कहते हैं सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी. अगर ऐसा भी रहा तो आईटीसी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. बहुत आसान है बेटा, ध्यान देना सर. नाउ वी नो दैट आईटीसी ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल्ड बाय टैक्स पेयर अदर देन वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट अवेलेबल. बट वॉट हैपेंस इफ द टैक्स पेयर प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्ट्स इमोबल प्रॉपर्टी फॉर बींग यूज इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट अवेलिंग सर्विस ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, विल आईटीसी बी अलाउड इन सच केस? द आंसर इज नो नो नो. इसके कारण, ठीक है, ITC is not allowed on goods or services received by taxable person for construction of immovable property other than plant and machinery. मतलब plant and machinery construct किया तो allowed है. On his own account, even though such goods service are used in course of furtherance of business, thus ITC on goods and service used in construction of immovable property is blocked only in those cases where taxable person construct the immovable property on his own, even if used for being constructed in course of furtherance of business. यानी ये important चीज़, देखिए तीन situation आ गई. ITC on goods or service used in construction of immovable property is available only in following three situation. आप construction कर रहे हो plant and machinery का तो मिलेगा, value आप capitalize नहीं कर रहे हो तो भी मिलेगा, और construction is not on own account, यानी खुद से construction नहीं कर रहे, यानी खुद के लिए नहीं कर रहे, further service provide करने के लिए कर रहे, यानी subcontracting बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं फर्दर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम कर रहे हैं, करने के लिए आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है. अब इसके बेटा अगेन कुछ एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स आप लोगों के लिए है, आप इसको चाहो तो देख सकते हो. इसके बाद हम नए क्लॉज पे आएंगे, क्लॉज ई, इनवर्ट सप्लाईज चार्ज टू टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी. बड़ा आसान है, अगर आप कोई चीज किसी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन से कर खरीदते हो तो कंपोजिशन टैक्सेबल उसका क्रेडिट, कंपोजिशन स्कीम वाला सेक्शन 10 में देखा था, क्रेडिट पास ऑन ही नहीं कर सकता, और साथ ही साथ वो आईटीसी भी नहीं ले सकता. मान लीजिए मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूं, ठीक है, और मैं कुछ गुड्स खरीदता हूं तो उसको एक फिक्स परसेंटेज से टैक्स देना पड़ता है टर्नओवर का, और वो आईटीसी नहीं ले सकता जो भी वो इनपुट्स खरीदता है उसका, भले ही उसके पास वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता है, बराबर है ना. तो उसकी इनवर्ट सप्लाईज का भी क्रेडिट ब्लॉक किया जाता है ना, सिंपल सी बात है. कंपोजिशन सप्लायर, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ध्यान रखना, कोई भी इनपुट सर्विसेज, कोई भी कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं ले सकता, उसके लिए ब्लॉक्ड है. आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं.
अब इसमें बेटा क्लॉज एफ है, इसमें इनवर्ड सप्लाईज रिसीव बाय एनआरटीपी। अगेन मैं इसके बारे में कई बार आपको बता चुका हूं, ये थोड़ा आपको बाद में आने वाला है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसका पूरा कंसेप्ट है एक्चुअली। एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये दो बहुत अच्छे कंसेप्ट है जो 7 चैप्टर्स में अपन देखने वाले हैं बेटा। तो अभी फिलहाल समझने के लिए इनवर्ड सप्लाई रिसीव बाय एनआरटीपी इसकी हम बात करते हैं। अब इसके अंदर इनको ये जैसे अब एक एग्जाम्पल देख लो, आपने देखा होगा बेटा ये नेपाल से ताइवान से लोग आते स्वेटर बेचने के लिए, है ना, ये कुछ अपना यहाँ पे रोड के ऊपर लगाते हैं स्वेटर्स की शॉप, नेपाल से ताइवान से भूटान से अलग अलग चीनी जैसे दिखते हैं और वो लोग स्वेटर्स वगैरह बेचते हैं। अब अगर वो यहां से इंडिया में आके कुछ गुड्स खरीदते हैं, कुछ सर्विसेज लेते हैं, इनपुट इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स, उस पर उनको आईटीसी नहीं मिलेगा। और अगर वो कुछ जैसे स्वेटर वो लेके आए तो उसको बेटा इंपोर्ट कहा जाएगा, उस पर एसीडी लगती है आपकी 37 वाली आईजीएसटी जिसको बोलते हैं, उसका क्रेडिट उनको मिल जाएगा, उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एक्चुअली यहां आके बेचने का। अब उसका क्या प्रोसीजर है वो सब हम 7 चैप्टर में ही पढ़ेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। आई बात समझ में? एनआरटीपी हैज बीन डिफाइंड इन सीजीएसटी एक्ट, इट हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जहां भी मौका मिले वो अपनी दुकान लगा लेता है। बट ही स्प्रेडिकली सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज इन इंडिया, टैक्स पेड ऑन गुड्स सर्विसेज रिसीव बाय सच एनआरटीपी इज नॉट अवेलेबल एज आईटीसी, however tax paid by him on imported goods is allowed as ITC। उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी भर के गुड्स लेके आता, कस्टम ड्यूटी भर के जो गुड्स इंडिया में लाता है उसके ऊपर बेटा उसको आईटीसी दिया जाएगा। whereas ITC on imported goods by NRTP is allowed, ITC on service imported by him is blocked। सर्विस इंडिया से ली के बाहर से ली दोनों में ब्लॉक्ड है, गुड्स इंडिया से लिए तो ब्लॉक्ड, इंपोर्ट किया तो अलाउड। आई बात समझ में? ये भी बहुत सिंपल है बेटा, पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर आप कोई गुड्स यूज कर लेते हो तो उसके ऊपर जो आईटीसी रहता है वो अलाउ नहीं रहता। इसका एग्जांपल देख लेना, ये बहुत आसान है, ये तो 16 में ही रुक दिया जाता है क्योंकि बिजनेस के लिए यूज करना है, और 17(1) भी रिस्ट्रिक्ट करता है क्योंकि बिजनेस के लिए क्रेडिट लेना पड़ता है, और साथ में 17(5G) स्पेसिफिकली ब्लॉक करता है 71। हालांकि 17(1) हालांकि मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, देखेंगे बेटा इसको भी, बराबर है ना, ये भी आसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज है, सर इसमें क्या है, फ्री सैंपल। बहुत आसान है बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा वेरी वेरी डिफिकल्ट, आई सेड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन आस आने के बहुत चांसेस है बेटा। और दूसरी बात, ये आसान भी है, सर डिफिकल्ट नहीं है, आसान बहुत है, साथ में इंपॉर्टेंट भी उतना ही है, ठीक है ना, जरा ध्यान देंगे। सिक्स क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 17(5) ब्लॉक्स आईटीसी ऑन, इन सब पे आईटीसी ब्लॉक है। कौन सी चीज? गुड्स दैट आर डिस्पोज बाय वे ऑफ गिफ्ट, किसी को गिफ्ट दे दिया, गुड्स दैट आर डिस्पोज बाय वे ऑफ फ्री सैंपल दे दिया, गुड्स लॉस्ट हो गए, गुड्स चोरी हो गए, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, या गुड्स जिसको मैंने राइट ऑफ कर दिया मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, ऐसे कुछ गुड्स के ऊपर जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा उसको लिया होगा तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, या ऐसे गुड्स पे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक हो जाएगा। यानी जैसे मैंने समझ लीजिए मेडिसिन बनाई, कोई गुड्स बनाए गिफ्ट में दे दिया, 1,00,000 रुपए के गुड्स बनाए, वो मैंने गिफ्ट दे दिया किसी को, तो उसके ऊपर जो भी आईटीसी होगा, जो भी इनपुट्स उसमें यूज हुए होंगे उसके ऊपर जो भी आईटीसी होगा वो नहीं मिलेगा, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा उस गुड्स बनाने में जो भी यूज इनपुट्स या इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स यूज किया होगा, ठीक है। अभी अपोर्शन भी करना पड़ता है, तो अपोर्शन वाला काम, सर कभी ऐसा हो सकता है सर एक ही मशीन से आप दोनों तरह के गुड्स बनाते हो, टैक्सेबल गुड्स या नॉन टैक्सेबल गुड्स, या टैक्सेबल ही बना रहे लेकिन उसमें से आपने कुछ गिफ्ट में सब गिफ्ट में दे दिया किसी को, तो सर वो कैपिटल गुड्स का फिर कैसे होगा? तो बेटा ये सब चीजों के लिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, सेक्शन सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4, 4 तो नहीं है वैसे, 3 है उसमें, साथ में रूल 42 और 43 है, मतलब इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए बेटा रूल 42 है और कैपिटल गुड्स के लिए रूल 43 है। तो ये मैं आपको पढ़ाना बाकी है, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल नहीं पढ़ाता हूँ। वो अपोर्शनमेंट वगैरह का क्वेश्चन दिमाग में आता भी है आपके तो थोड़ी देर के लिए उसको साइड रख देना। आई बात समझ में? क्वेश्चन को, दिमाग को नहीं, ठीक है, और ये पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है।
इंस्टीट्यूट ने डाल तो दिया है मॉड्यूल में, लेकिन इसके ऊपर एग्जाम्पल दिया है इंस्टीट्यूट ने, लेकिन इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है। और आपको एक चीज बता दूं, ये जो कैपिटल गुड्स का सेक्शन 43 है ना, रूल 43, ये एग्जाम में लिख कर ले लो, कभी नहीं पूछेंगे, गाय गारंटी। कारण कारण ऐसा है बेटा कि अगर उसका एक प्रॉब्लम पूछ लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व करने को 40 से 50 मिनट लगते हैं, इतनी बड़ी प्रोसीजर है। सीए फाइनल पे आता है क्वेश्चन इसका, सीए फाइनल में तो है सिलेबस में, और क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसको आप 20-30 मिनट दे सको, लेकिन अभी तो आपका पूरा सब्जेक्ट ही 40 मार्क का है, इसमें कहाँ से प्रॉब्लम आएगा, चांस ही नहीं है। और इसमें क्वेश्चन आते, इसमें थियोरटिकल कुछ नहीं पूछा जा सकता, ये रूल्स है, पूरी प्रोसीजर है बकायदा। जब आप 42 पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, 42 बहुत सिंपल है, सिंपल भी है, छोटी भी है, क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं बेटा इंटर लेवल पे। मैं कह रहा हूं ना, जीएसटी बहुत सिंपल है। मैं तो फाइनल लेवल का जीएसटी देखता हूं तो इंटर का तो ऐसा लगता है कि अरे बाबा क्या पढ़ाया है ये, बहुत ज्यादा सिंपल दिया, बहुत मतलब कंटेंट कम है। लेकिन फाइनल का जीएसटी तो माशा अल्लाह, पूछो मत, मजा आ जाता है, हमको भी मजा आता पढ़ाने में। ये ऐसा लगता है कि वो काफी सिंपल है बेटा ये। और फाइनल लेवल पे जब बच्चा अगर जीएसटी अच्छे से सीख के आता है इंटर में, उसका एक मजा ही अलग हो जाता है फिर। और जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोने की खान है जीएसटी की प्रैक्टिस, ये बात ध्यान रखना, भविष्य में बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है ये। तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं। सबसे पहले तो हाँ, तो आईटीसी इन चीजों पर ब्लॉक है, ये मैंने आपको फिलहाल बता दिया। अब सर इसके अंदर नया क्या, अब मैं बताता हूं आपको, अब जरा ध्यान देना बेटा इन चीजों पे ब्लॉक। अब ये एक एक चीज इसमें गिफ्ट की डेफिनेशन, इस सब की कुछ कुछ चीजें की डेफिनेशन दी नहीं है। ये है बड़ा सिंपल लेकिन थियोरेटिकल है बेटा, तो जरा ध्यान देना। अब देखिए गिफ्ट का मतलब क्या, सर फुकट में दिया किसी को आपने, ग्रेटिट्यूड आ गया, मज़ा, इच्छा हो गई आपकी देने की, लेकिन डेफिनेशन नहीं, इट इज नॉट डिफाइंड इन जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ में डिफाइंड नहीं है गिफ्ट मतलब, ठीक है, मतलब अपने को क्या देखना पड़ेगा, दूसरे लॉ में देखना पड़ेगा। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया हुआ है गिफ्ट की डेफिनेशन, लेकिन बेटा ये सब डेफिनेशन वगैरह हमारे कोई काम की नहीं है, ठीक है ना। गिफ्ट आप कॉमन पैरलांस में देखिए, मेड विदाउट कंसिडरेशन, वॉलेंटरी, स्वयं से दिया, मांगना नहीं पड़ता गिफ्ट, खुद से देता है कोई, है ना। और ये दिया जाता है ओकेशनली, इट कैन नॉट बी डिमांडेड एज अ मैटर ऑफ राइट। ए गिफ्ट दे, मेरा बर्थडे, मुझे गिफ्ट दे, चाहिए, ऐसा करते क्या आप, कोई स्वेच्छा से दिया तो दिया, आप ऐसा मांग के नहीं, पाइजे मतलब पाइजे, ऐसा नहीं होता बेटा। तो ये डिपेंड करता है, आई बात समझ में, ठीक है, गिफ्ट की डेफिनेशन, ठीक है। सैंपल मतलब क्या, सैंपल की भी डेफिनेशन नहीं है जीएसटी लॉ के अंदर, इट इज नॉट डिफाइंड। तो डिक्शनरी में सैंपल मतलब क्या, कोई स्मॉल पार्ट क्वांटिटी हम किसी को देते हैं कि भैया पूरा बचा हुआ गुड्स ऐसा दिखेगा, बचा हुआ माल ऐसा दिखेगा, ठीक है। इंटेंडेड टू शो व्हाट द होल इज लाइक, पूरा माल कैसा दिखेगा उसका एक सैंपल निकाल के आपको दिखा दिया। कमर्शियल पैरलांस में अगर हम बात करें, इट इज गिवन टू कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, जो कस्टमर हमारे से गुड्स लेने आते हैं, वो कुछ डेमो मांगते हैं या भैया कैसा रहेगा तुम्हारा गुड्स, ऐसा मांगते हैं, तो हम उनको एक सैंपल दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेन ड्राइव लॉन्च किए, अब पेन ड्राइव लॉन्च किए तो मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ये सैंपल कौन लेगा, तो मैंने इसके लिए कुछ फ्री वीडियोस यूट्यूब पे डाल दिए, भैया ये 2-3 वीडियोस है, ये मेरा सैंपल है, हाउ आई टीच, ये प्रोडक्ट के अंदर का कुछ पार्ट मैंने दिखा दिया, कुछ पार्ट मैंने आपको दे दिया, यू कैन सी दैट, बराबर है। अब इसके अंदर आप देखें तो क्वालिटी, इससे क्वालिटी जज, कोई भी आइटम की, जैसे पेनड्राइव की बात करो तो क्वालिटी जज हो जाएंगी बिफोर मेकिंग डिसीजन टू बाय, यानी जिसको खरीदना है वो पहले देख लेगा कि भैया ये मैंने खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, आई बात समझ में। अब सवाल ये उठता है, एक सर्कुलर आया था 2019 में, 28/3/2019 को, आईटीसी इन द हैंड्स ऑफ सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन स्कीम। अब ये क्या होता है जरा इस पे ध्यान से सुनना, सर्क्यूलर डेटेड हैज क्लैरिफाइड द एंटाइटलमेंट ऑफ आईटीसी इन द हैंड्स ऑफ सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस सेल्स प्रमोशन स्कीम। सेल्स प्रमोशन स्कीम पता है क्या, बाय वन गेट वन फ्री, एक लो एक मुफ्त, या फिर आप इसके अंदर ये भी बोल सकते हो ये आपके क्या कहते हैं डिस्काउंट्स है अगर आप ज्यादा लो, मोर बाय मोर सेव। सर ये सब क्या है, ये सब आगे आने वाले हैं, ठीक है, तो जरा ध्यान देना। अपन ने सप्लाई में भी यूनिट 2 में डिस्कस किया था, सॉरी सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर 2 में भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, और साथ ही साथ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई में यूनिट 2 में इसमें बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन आज अब इसको टोटल रियल में डिस्कस करते हैं, जरा प्लीज ध्यान देना।
ये क्या होता है? देखिए बेटा, सेल्स प्रमोशन स्कीम की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा कि क्रेडिट ब्लॉक होगा अगर आप गुड्स फ्री में देते हो, तो गुड्स डिस्पोज बाय वे ऑफ गिफ्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप गए एक क्लॉथ की दुकान में और आपको एक शर्ट पसंद आया, वहां ऑफर लिखा था बाय वन गेट वन फ्री, तो आप एक लोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर। तो दो लोगे तो आपका एक गुड्स फ्री हो जाएगा। मान लो आपने दो शर्ट पसंद कर लिया और दोनों शर्ट का प्राइस है 2000 2000, टोटल हुआ 4000, आपको कितने पे करना है? सर 2000 करना है, क्योंकि एक लो एक मुफ्त, बराबर है। तो हमने 2000 2000 के दो लिए, तो एक लिया दूसरा फ्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दोनों गुड्स के ऊपर दोनों शर्ट दुकानदार को तो कुछ कॉस्ट लग के आया होगा कि नहीं आया होगा? हाँ सर, कॉस्ट लग के आया होगा। अब दुकानदार ने उन दोनों शर्ट पे आईटीसी लिया होगा कि नहीं? हाँ सर, इनपुट्स है दोनों, उसके लिए आईटीसी लिया होगा। एक शर्ट उसने पूरे 2000 में दिया और एक शर्ट उसने फ्री में दिया, मतलब तो यही होता है बाय वन गेट वन फ्री का। हाँ सर, ये कॉमन परलांस में तो यही बात है, आपकी बात सही है। तो क्या उसको जो फ्री में शर्ट दिया है दूसरा वाला, उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? क्या उसको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये तो कहता है नहीं मिलेगा फ्री में जो दिया, लेकिन सेल्स प्रमोशन सर्कुलर आया कि नहीं नहीं देखिए, फ्री में पूरा नहीं दिया है, कस्टमर बिल बना के गया है। चीज समझना, कस्टमर को दूसरा शर्ट फ्री में तभी मिलेगा जब वो पहला शर्ट लेगा। और ये स्कीम काय के लिए लाई? कंचे खेलने के लिए? नहीं सर, सेल्स प्रमोशन स्कीम है, सेल बढ़े, टर्नओवर बढ़े, इसीलिए हमने ये स्कीम लाई है। ओके, तो इसीलिए स्कीम लाई है ना बेटा, तो इसके अंदर जीएसटी रिवर्स नहीं करना पड़ता। तो इसके बारे में पूरा सर्कुलर क्लैरिफिकेशन आया, जरा ध्यान देना। सैंपल और फ्री गिफ्ट देते हैं तो वो चीज अलग है। इसके सबके बारे में, सैंपल, बाय वन गेट वन, प्रमोशनल ऑफर, सबके बारे में यहाँ डिटेल में थोड़ा थोड़ा दिया और अच्छे से लिखा बेटा। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस साथ साथ में आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना। पूरा अच्छे से यहाँ पे नोट्स में आपके डाल के दिया हुआ है, एकदम लेमैन टर्म्स के अंदर। सैंपल्स विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन डू नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी एक्सेप्ट वेयर एक्टिविटी फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल वन ऑफ सीजीएसटी एक्ट। देखिए, विदाउट कंसिडरेशन कुछ भी दिया तो उसको सप्लाई नहीं बोलते, सेक्शन 7 में सब सेक्शन 1 में देखा था। और साथ ही साथ कुछ एक्टिविटीज जो शेड्यूल 1 में लिखी थी, जो भले ही आप विदाउट कंसिडरेशन दो, वो भी सप्लाई मानी जाएगी। आई बात समझ में? वेरी गुड। आईटीसी इज नॉट अवेलेबल टू सप्लायर ऑन इनपुट्स, इनपुट सर्विसेस एंड कैपिटल गुड्स टू द एक्सटेंट दे आर यूज्ड इन रिलेशन टू फ्री टू गिफ्ट्स और फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो बेटा, फ्री गिफ्ट आपने दिया, फ्री सैंपल दिए, इसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता बायर पे कि तेरे को ये खरीदना ही पड़ेगा तो तेरे को फ्री सैंपल देंगे, या तेरे को ले लेना ही पड़ेगा तो तेरे को गिफ्ट देंगे। ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता है बायर पे। तो ऐसे केसेस के अंदर फ्रेंड्स आईटीसी नहीं मिलेगा। अपोर्शन कैसे करते हैं? सेक्शन 17 सबसेक्शन 1-2 में लिखा हुआ है, और रूल 42 में लिखा बेसिकली इनपुट और इनपुट सर्विसेज का, और रूल 43 में लिखा कैपिटल गुड्स के लिए। तो ये तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। हाउएवर where the activity of distribution of gifts or free samples fall within scope of supply on account of provision contained in schedule 1. Schedule 1 के कारण मान लीजिए supply में आते हैं, तो the supplier would be eligible to avail ITC. ITC avail कर सकता है अगर वो चीज़ है without, देखिए अगर without any consideration दिया जाता है तो उसको तो supply ही नहीं बोलेंगे। देखिए supply की definition याद करो, सेल वो सब मालूम है मुझे, सेल ट्रांसफर वो ठीक है, लेकिन विथ कंसिडरेशन, मेड विथ कंसिडरेशन। और शेड्यूल वन में कुछ एक्टिविटीज है चार, जिसके अंदर अगर कंसिडरेशन नहीं भी रहा तो भी सप्लाई माना जाएगा। अब मेरा कहना है वो चार एक्टिविटीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मैं दूसरी एक्टिविटीज की बात करता हूं जो सप्लाई नहीं मान रहा। सॉरी, कंसिडरेशन नहीं है मतलब सप्लाई नहीं मानेंगे, सप्लाई नहीं मानेंगे तो आईटीसी मिलने का सवाल ही नहीं उठता। आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल टू द सप्लायर, क्योंकि उसको विदाउट कंसिडरेशन किया और सप्लाई नहीं मान रहे। एनीथिंग विदाउट कंसिडरेशन नॉट अ सप्लाई। बट अगर वो एक्टिविटी, वो गुड्स, वो सर्विस जो भी है, वो शेड्यूल वन में अगर बैठ जाते हैं तो उसको सप्लाई मानेंगे, और अगर उसको सप्लाई मानेंगे आईटीसी भी मिलेगा फ्री गिफ्ट्स और सैंपल पे। सैंपल दे रहे हैं, पूरा के पूरा माल फ्री में नहीं बेच रहे,
आई बात समझ में? फ्री गिफ्ट्स, फ्री सैंपल्स के ऊपर, सैंपल ऑब्वियसली फ्री रहता है, आईटीसी मिलेगा सप्लायर को, आई बात समझ में? वैसे ही बाय वन गेट वन फ्री पे भी मिलेगा, ठीक है? अब देखिए, देयर इज नॉट इंडिविजुअल सप्लाई फ्री गुड्स, एक शर्ट के साथ एक शर्ट, सिर्फ एक शर्ट फ्री में नहीं दिया, इट इज अ केस ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाइज एट अ सिंगल प्राइस बींग चार्ज फॉर द एंटायर सप्लाई. वो दोनों शर्ट के लिए 2000 रुपए चार्ज किए. इट कैन बी बेस्ट ट्रीटेड अ सप्लाइंग ऑफ टू गुड्स एट अ प्राइस ऑफ वन. हाँ कि ना? द टैक्सेबिलिटी ऑफ सच सप्लाई विल बी डिपेंडेंट अपॉन एज टू वेदर द सप्लाई इज कंपोजिट सप्लाई और अ मिक्स सप्लाई एंड द रेट शैल बी डिटरमाइंड एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8. कंपोजिट का अपन ने देखा था और मिक्स का भी. आप मिक्स में तो क्या मैक्सिमम नेचुरल बंडलिंग नहीं है, आर्टिफिशियल है तो मैक्सिमम रेट लगाते थे. कंपोजिट के अंदर नेचुरल बंडलिंग है तो मेन सर्विस के ऊपर जो रेट था वो अपन लगाते थे, बराबर है ना? या गुड्स पे जो भी होगा. आईटीसी शैल बी अवेलेबल टू सप्लायर फॉर द इनपुट्स. इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स यूज इन रिलेशन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एज अ पार्ट ऑफ सच ऑफर. दोनों का आईटीसी मिलेगा. डिस्काउंट अगेन सेम, बाय मोर सेव मोर, पूरा डिस्काउंट आप वैल्यू से माइनस कर सकते हैं, सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू से माइनस कर सकते हैं, तो आपको मालूम है और आपको आईटीसी मिलेगा पूरा. सप्लायर शैल बी एंटाइटल टू अवेल आईटीसी, ठीक है? सेकेंडरी डिस्काउंट, सेकेंडरी डिस्काउंट का आईटीसी पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है. सेकेंडरी डिस्काउंट यानी बाद में, ठीक है? आईटीसी तो पहले ही आप ले चुके, पहले ही सेल हो चुका, पूरा मिलेगा क्योंकि ये टाइम पे मालूम नहीं है ना. ठीक, आईटीसी आईटीसी सब मिलेगा, ठीक है ना? देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी ऑफ इन द हैंड्स ऑफ सप्लायर इन दिस केस, ठीक है? क्योंकि सेकेंडरी डिस्काउंट 3-4-5-10 महीने बाद पता चलता है बेटा, तो आईटीसी तो मिलेगा ही मिलेगा, आईटीसी आप ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है? ITC reversal when return of time expired medicine drugs treated as fresh supply. ये थोड़ा सा सर्क्यूलर आया था इसके ऊपर. इसमें क्या होता मैं आपको बताता हूं बेटा. आपका दवाई की दुकान है समझ लो. अब ये दवाई की दुकान है आपकी, इसमें कई बार क्या होता है, अब मेडिसिन बिकती नहीं है. अब नहीं बिकी तो एक समय के बाद मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है. अब आपने जब कभी भी मेडिसिन आई थी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होगा. देखिए ना क्या कंडीशन है लेने की, इनवॉइस आ जाना चाहिए, बिजनेस में यूज करना चाहिए और साथ ही साथ गुड्स भी रिसीव हो जाने चाहिए. ऐसे ही कुछ चार कंडीशंस अपन ने देखा था. तो गुड्स भी आ गए, मेडिसिन भी आ गई और इनवॉइस भी आ गया, अपन ने क्रेडिट ले लिया. अब वो मेडिसिन 1.5 साल तक नहीं बिकी, स्टॉक में पड़ी है मेरे, अब वो एक्सपायर हो गई. अब मैं किसी को बेच नहीं सकता तो मैं क्या करूंगा? सर आप फैक्ट्री वाले को वापस दे दोगे, कंपनी को वापस दोगे, तो उस केस में उसको क्या करना? जो वापस देंगे उसका, अब वो कंपनी वाला भी उसका क्या करेगा? या तो उसके अगेंस्ट में आपको दूसरी देगा या वो ले लेगा और आपको पैसे दे देगा. तो आपको वापसी का भी इनवॉइस बनाना पड़ता है, उसको फ्रेश सप्लाई ट्रीट करना, ऐसा ही नोटिफिकेशन बोलता है. अच्छा देखते हैं, चलिए ध्यान देना बेटा. कॉमन पैरलांस में क्या होता है और एक्सपायरी में क्या होता है, और इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो आप प्लीज ध्यान दीजिए. आईटीसी रिवर्सल व्हेन रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन ड्रग्स आर ट्रीटेड एज फ्रेश सप्लाई. इसको कब फ्रेश सप्लाई मानेंगे? इसके ऊपर सर्क्यूलर आया हुआ है. चलिए पहले तो कहानी क्या है वो देख लो. इन कॉमन ट्रेंड प्रैक्टिस इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज दैट द ड्रग्स और मेडिसिन देयर इन आफ्टर रिफर्ड एज गुड्स आर सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर एंड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर. यानी मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, ये इसको बेचेगा और ये इसको बेचता है, बराबर है? ऐसा ही होता है, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई. अगर कंपोजिशन स्कीम में कोई होगा तो बिल ऑफ सप्लाई, नहीं तो इनवॉइस. इसने इनवॉइस बनाया इसके नाम का और इसने इनवॉइस बनाया इसके नाम का, यानी इसने आईटीसी लिया और इसने भी आईटीसी लिया, आईटीसी सॉरी. समझ आ रहा मैं क्या कह रहा? हाँ, आईटीसी लिया होगा सर. चलिए ठीक है. सच गुड्स आर डिफाइंड एज लाइफ टर्म व्हिच इज नॉर्मली रिफर टू डेट ऑफ एक्सपायरी. ये एक्सपायर होने के बाद नहीं बिकते. सच गुड्स व्हिच हैव क्रॉस द डेट ऑफ एक्सपायरी आर कोलोक्वियली रिफर्ड टू एज टाइम एक्सपायर्ड गुड्स एंड आर रिटर्न बैक टू मैन्युफैक्चरर ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपायरी थ्रू सप्लाई चेन. यही चेन से, यानी अब होगा क्या समझ लो, एक्सपायर गुड्स ये इसको देगा और ये इसको देगा. अरे हाँ कि ना? हाँ सर,
तो सर्कुलर आया, वो क्लेरिफाई करता है कि रिटेलर या होलसेलर कैन रिटर्न द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स आइदर बाय ट्रीटिंग सेम एज फ्रेश सप्लाई और इशूइंग क्रेडिट नोट. क्रेडिट नोट भी इशू कर सकता है वो, और उसको फ्रेश सप्लाई भी ट्रीट कर सकता है. क्रेडिट नोट मतलब मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी हो जाएगी. जैसे मैं होलसेलर हूं, मैंने वापस दिया मेडिसिन, तो मैं क्रेडिट नोट दूंगा, भैया इतने रुपए का तू, मैं तेरे से गुड्स और दूसरा कोई ले सकता हूं. आई बात समझे? तो डेबिट नोट के अंदर जैसे आईटी से रिवर्स को, वैसे क्रेडिट नोट के अंदर भी करना पड़ेगा. अब जरा ध्यान देना, मतलब उससे इनपुट टैक्स थोड़ा कम हो जाएगा, टैक्सेशन कम. लेकिन अब इस पे सर्कुलर आता है कि अगर अगर उसको फ्रेश सप्लाई माना तो क्या होगा. या तो क्रेडिट नोट पे किया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वापस एक बार रिवर्स होगा क्रेडिट वापस मिल जाएगा, उसकी बात अभी नहीं करेंगे. मैं कहता हूं उसको फ्रेश सप्लाई माना तो मतलब क्या पता है इसका. अभी ये गुड्स रिटेलर के पास है, रिटेलर एक फ्रेश इनवॉइस बनाएगा फ्रेश सप्लाई का और होलसेलर को सप्लाई करेगा, और होलसेलर फ्रेश इनवॉइस बनाएगा फ्रेश सप्लाई वो मैन्युफैक्चरर को करेगा. फ्रेश यानी नया, एक्सपायरी मेडिसिन बेची, समझ लो कॉमन सेंस में एक्सपायरी मेडिसिन बेची. किसको बेची? रिटेलर ने होलसेलर को बेची, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को बेची, साहब काम खत्म. अच्छा ऐसा भी हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्या प्रॉब्लम है? ध्यान देना, रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड गुड्स बाय ट्रीटिंग सेम एज फ्रेश सप्लाई, इसके बारे में क्या नोटिफिकेशन आया ध्यान दीजिए. इन केस पर्सन रिटर्निंग द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स इज रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिट, कंपोजिशन को तो आईटीसी मिलता ही नहीं, तो कहानी खत्म हो गई, चेन ही ब्रेक हो गई, है कि नहीं. ही मे एट हिज ऑप्शन रिटर्न द सेट गुड्स बाय ट्रीटिंग इट एज फ्रेश सप्लाई, उसको ऑप्शन दिया है, जरूरी नहीं है कि ऐसा करे, उसको आज ऑप्शन है, वो ये काम कर सकता है. And thereby issuing invoice for the same year is needed a return supply. Return supply का fresh invoice वो बनाएगा. आई बात समझ में? Value of said goods as shown in invoice on the basis of which goods were supplied earlier may be taken as the value of such return supply. अच्छा मतलब समझा आपको इसका? इसका मतलब ये है value of said goods as shown in the invoice, जैसा invoice में दिखाया है, ऑन द बेसिस ऑफ विच गुड्स वेर सप्लाइड अर्लियर मे बी टेकन एज वैल्यू रिटर्न, यानी जितने का गुड्स आया उतने का मैं वापस रिटर्न कर रहा. मतलब इन होलसेलर ने रिटेलर को मान लीजिए 100 रुपए की मेडिसिन दी, अब वो नहीं बिकी, तो वही रिटेलर बराबर वापस रिटर्न इनवॉइस बना रहा है एज अ फ्रेश सप्लाई, लेकिन कितने रुपए में? अब कमाएंगा क्या इसमें? नहीं सर, 100 में. अरे समझो ना, होलसेलर ने रिटेलर को 100 में बेचा मेडिसिन, मेडिसिन का एमआरपी भले ही 120 रुपए हो, अब रिटेलर वापस करेगा तो क्या 120 में करेगा क्या? कॉमन सेंस है सर, वो होलसेलर 100 में ही वापस लेगा सर, सीधी सी बात है. हाँ तो इसलिए वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी, मेरा ये कहना है. होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स केस में भी हु इज द रिसिपिएंट ऑफ सच सप्लाई शैल बी एलिजिबल टू अवेल आईटीसी ऑफ टैक्स लेवीड ऑन सेड रिटर्न. अब नया सप्लाई बना, अब सोचो रिटेलर ने नया इनवॉइस बनाया, नया इनवॉइस बनाया होलसेलर को दिया, अब होलसेलर को जो उस पर जो जीएसटी होगा, रिटेलर ने चार्ज किया, होलसेलर ने पे किया, होलसेलर उसका आईटीसी ले सकता है और रिटेलर उसका आईटीसी गवर्नमेंट को दे दे, टैक्स गवर्नमेंट को देगा. समझ रहे नहीं समझ रहे? सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, वही सेक्शन 16. समझे नहीं समझे आप? देख लो, गणित समझ लो, अच्छे से समझ लो, ध्यान देना बेटा. अब इसमें हो क्या रहा है, मैं होलसेलर और रिटेलर की बात करता हूँ, ठीक है? मेडिसिन का बिजनेस है. 1/4/2019 को होलसेलर ने रिटेलर को कुछ गुड्स दिए, 1000 रुपए की मेडिसिन दी और उस पर 5% के हिसाब से 50 रुपए जीएसटी लगाया था, यानी 1050 रुपए रिटेलर ने पे किया और उस समय इसने 50 रुपए का आईटीसी भी ले लिया था और आईटीसी यूटिलाइज भी कर लिया, पूरी कहानी खत्म हो गई. अब 2 साल के बाद, मेडिसिन की लाइफ 2 साल थी, 1/4/2021 को ये मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है और इसी मंथ में ये रिटेलर फ्रेश सप्लाई का एक इनवॉइस बनाता है, मान लीजिए 23/4 को, कि भैया ये मेडिसिन कितने रुपए की, ये मेडिसिन 1000 रुपए की. अब इसमें प्रॉफिट तो कमा नहीं सकता ना, क्योंकि रिटर्न कर रहा है, बराबर है? तो 1000 रुपए का इनवॉइस बनाता, अगेन 5% जीएसटी, 50 रुपए, और ये होलसेलर इसको ये पैसे का पेमेंट कर देता. अब होलसेलर के लिए ये इनवर्ट सप्लाई हो गई, और कहना ये चाह रहा है क्लैरिफिकेशन के हिसाब से कि इस 50 रुपए का ये होलसेलर आईटीसी ले लेगा और ये 1000 की मेडिसिन मैन्युफैक्चरर को देके 1000 रुपए ले लेगा उससे. अरे समझ में आया क्या?
अरे हाँ कि ना, समझ लो चीज को, ठीक है? ऐसी कहानी है, आईटीसी ले सकता है। और अगर कंपोज जो पर्सन रिटर्न कर रहा है और कंपोजिशन है, तो ही में रिटर्न सेट गुड बाय इशूइंग बिल ऑफ सप्लाई एंड पे द टैक्स एट द रेट एप्लीकेबल टू कंपोजिशन टैक्स पेयर। इन दिस सिनेरियो ही विल नॉट बी एनी अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी टू रिसिपिएंट ऑफ रिटर्न सप्लाई। अगर मान लो ये कंपोजिशन वाला है, तो इसको कोई आईटीसी नहीं मिल सकता, क्योंकि कंपोजिशन वाला इनवॉइस सप्लाई सप्लाई का इनवॉइस नहीं बनाता, वो क्या बनाता है? बिल ऑफ सप्लाई, वो बनाता है बिल ऑफ सप्लाई। आई बात समझ में? अब ध्यान देना। ठीक है, ये तो ठीक है। इन केस द पर्सन रिटर्निंग द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ही मे रिटर्न गुड्स बाय इशूइंग कमर्शियल डॉक्यूमेंट विदाउट चार्जिंग एनी टैक्स। वो तो भैया डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं, वो सिर्फ एक कमर्शियल डॉक्यूमेंट अपने कागज पे रहेगा, वो रिटर्न कर देगा, उसके बदले दूसरा ले लेगा। और अनरजिस्टर्ड टैक्स लगाने का सवाल ही नहीं उठता। टैक्स नहीं लगाने तो आईटीसी का तो सवाल ही नहीं उठता वैसे भी, ठीक है? वेयर द गुड्स रिटर्न बाय रिटेलर आर फ्रेश सप्लाई डिस्ट्रॉयड बाय मैन्युफैक्चरर, ही शी इज रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी अवेल्ड ऑन रिटर्न सप्लाई। देखिए, अब मैन्युफैक्चरर के पास गुड्स आ गए, समझ आई बात? रिटेलर ने मान लो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को दे दिया, ये कहानी के अंदर आप देख सकते हो। अब ये 50 रुपए का आईटीसी पड़ा है और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया मैन्युफैक्चरर ने, ये होलसेलर ने, इसको मैन्युफैक्चरर समझ लीजिए, डिस्ट्रॉय कर दिया। गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाते ना, तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। आईटीसी रिवर्स करना मतलब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाता है। फिर इसके बारे में और डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, टेंशन मत लेना उसका। और प्रॉब्लम्स करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर आपका, नेक्स्ट के नेक्स्ट लेक्चर तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत अगर बचा भी होगा रिवर्सल क्या हो जाएगा बेटा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना? ध्यान देना। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट आईटीसी ऑन विच इज रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स सीआईओ आईटीसी ऑन रिटर्न सप्लाई एंड नॉट आईटीसी दैट इज एट्रीब्यूटेड टू मैन्युफैक्चरर ऑफ नेक्स्ट टाइम एक्सपायर्ड गुड्स। द क्लेरिफिकेशन मे ऑल्सो एप्लीकेबल टू रिटर्न ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन बीइंग टाइम एक्सपायर्ड। इसके अलावा भी कोई रीजन रहे तो भी ये क्लेरिफिकेशन आप यूज कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको चाहे तो देख सकते हैं। अ मैन्युफैक्चरर हैज अवेल्ड आईटीसी ऑफ ₹10 एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन वैल्यूड 100। मैन्युफैक्चरर, हाँ, एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपायरी आईटीसी अवेलेबल टू मैन्युफैक्चर ऑन द बेस ऑफ फ्रेश इनवॉइस बाय द होलसेलर इज 50। सो व्हेन टाइम एक्सपायर्ड गुड्स आर डिस्ट्रॉयड ही वुड बी रिक्वायर्ड टू रिवर्ट आईटीसी ऑफ 15 नॉट ऑफ 10। समझे क्या? नहीं समझे सर, ध्यान देना। मैन्युफैक्चरर ने एक रिटेलर को गुड्स बेचा, मेडिसिन बेची, मैन्युफैक्चरर को ₹100 की पड़ी थी वो मेडिसिन, कितनी कॉस्ट? ₹100 आई थी, और ₹100 पे जो उसने आईटीसी लिया था वो ले चुका था वो ऑलरेडी, समझे मेरी बात? अब उसने रिटेलर को ₹150 में बेचा, ₹150 पे ₹15 आता था टैक्स, तो उसने ₹10 का आईटीसी लिया था। और अब मैन्युफैक्चर का हिसाब देखो, गवर्नमेंट को 15 देने हैं जो कलेक्ट किया उसने किससे, रिसिपिएंट से और रिटेलर से, और ₹10 का आईटीसी लेके ₹5 गवर्नमेंट को पे कर दिया। ऐसा 2 साल पहले हुआ था। अब 2 साल बाद ये रिटेलर वापस कर रहा है, तो ये वापस कर रहा है, फ्रेश इनवॉइस बना रहा है। कितने में बनाएगा सर? ₹150 में बनाएगा। जीएसटी कितना लगाएगा? ₹15 लगाएगा। अब इसका आईटीसी कितना होगा? ₹15 आईटीसी होगा, है ना? और अगर ये मैन्युफैक्चर गुड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, गुड्स डिस्ट्रॉय, तो रिवर्स 10 नहीं होगा, रिवर्स 15 होगा, क्योंकि आईटीसी प्रेजेंटली जो लिया है वो 15 है। ये एग्जाम्पल का मतलब, आई बात समझ में? चलिए ठीक है, अब आगे चलते बेटा। एक लास्ट चीज और बच गई इसके अंदर, उसके बाद क्वेश्चंस लेके मैं लेक्चर एंड करूंगा, मतलब 2.5 घंटे तक जाएगा बेटा ये। इसके बाद के दोनों छोटे रहेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन अभी जाएगा। तो टैक्स पेड इन फ्रॉड केसेस, अब ये जो बात है यहां पे फ्रॉड केसेस की बात है। फ्रॉड केस डिटेंशन कॉन्फिसिकेशन, एक फ्रॉड का एक डिटेंशन है, कॉन्फिसिकेशन का है, ये कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं, इसका आईटीसी नहीं मिलता, ठीक है? मतलब अगर फ्रॉड आपने किया और उसके कारण आपको टैक्स भरना पड़ा, डिटेंशन किया, कॉन्फिसिकेशन आपके गुड्स किए, उसके बाद टैक्स भरना पड़ा, यानी आपने हमसे छुपाया और उसके बाद हमने आपसे अगर टैक्स भरवाया, तो उसका आईटीसी नहीं देंगे।
These sections prescribe the provision related to tax paid as a result of evasion of tax or upon detention of goods, pakde gaye goods, or conveyances in transit, or towards redemption of confiscated goods. Yani humne jabardasti aapse karwaya. तो भैया फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, यानी इसका मतलब है आपने पहले नहीं बताया, आपने छुपाया था। मान लीजिए आप 1 करोड़ के गुड्स बिना टैक्स भरे रिमूव कर रहे थे और रास्ते में हमने पकड़ा, अब हमने पकड़ा तो हम आपसे गुड्स टैक्स भरवाएंगे, तो जो हमने आपसे टैक्स भरवाया इन रिलेशन टू फ्रॉड उसका आईटीसी नहीं मिल सकता। आई बात समझ में? अरे सर लेकिन बिजनेस वो सब बराबर है, तुमने चोरी क्यों की? आई बात समझ में? चले सेक्शन 17 सबसेक्शन 6 वैसे अभी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पढ़ाया था बेटा इन चीज़ों का क्रेडिट नहीं मिलता, वो वाली बातें हैं, लेकिन ये ब्लॉक क्रेडिट चलिए देख ही लेते हैं इसको कि सेक्शन 17 मैं देख रहा था, टोटल 6 सबसेक्शन है 17 में, 17 1 2 3 4 5 6 ये सारे जो अपने होंगे ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में होंगे, लेक्चर नंबर 18 बराबर। और ये जो दो है बेटा ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिफ्थ वाला सिक्स्थ ये रहा, छोटा सा है पढ़ा देता हूँ अभी बराबर। गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच क्रेडिट रिफर टू इन सेक्शन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में बी एट्रीब्यूटेड। गवर्नमेंट जब चाहे जो मैनर चाहे प्रिस्क्राइब कर सकती है। अब इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन है कि प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या, तो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, बस वही इसके अंदर लिखा हुआ है। और प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में क्या एक्सक्लूड रहेगा, देखिए फाउंडेशन वगैरह तो उसी में आता है, मैंने बताया था जनरेटर रखने के लिए मान लीजिए फाउंडेशन बेस बनाया तो वो भी प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में आ जाएगा बराबर है। लेकिन लैंड बिल्डिंग और अदर सिविल स्ट्रक्चर्स प्लांट एंड मशीनरी नहीं होता। टेलीकम्युनिकेशन टावर को भी प्लांट, जियो का एग्जांपल दिया था मोदी जी से मिलकर शायद कुछ कर ले अभी यही क्लास में, वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं होता। पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस ये भी प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में नहीं आता है ठीक है। चलिए तो ये बेटा हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब हम इसके इलुस्ट्रेशंस देख लेते हैं, ज्यादा नहीं 10-15 मिनट लगेंगे। और ये देखिए समरी देख लीजिए बेटा, ये कुछ ये देखिए ये मैं पढ़ाने का हूं अभी फिलहाल, ये मैं पढ़ाने का हूं ये कल होगा पूरा, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये पहली बात ये कुछ समझेगा नहीं, अभी आपके लेवल की बात ही नहीं है ये आपके लेवल की बात नहीं। और दूसरी बात आपके मॉड्यूल में भी सिर्फ टच एंड गो, तो बस बेयर एक्ट पोर्शन में दिया हुआ है, समझाया हुआ कुछ नहीं है और उसके साथ इलुस्ट्रेशन भी नहीं है। जैसे फॉर रूल 43 का इलुस्ट्रेशन तो भी दिया है, इसका कोई इलुस्ट्रेशन नहीं है और लिख कर ले लो ये कुछ एग्जाम में आएगा नहीं ठीक है ना, तो इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बन नहीं सकता फिलहाल, तो इसके ऊपर कुछ नहीं। हाँ ये आप पढ़ना है बेटा ब्लॉक क्रेडिट, ये आपको पढ़ना है, ये मतलब ब्लॉक क्रेडिट पार्ट बी, ये आपके रीडिंग के लिए ठीक है, मतलब एक पूरा बना के दिया है शॉर्ट फॉर्म में, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो वैसे कोई तकलीफ नहीं। चलिए तो ये हमारा हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट इस पे आएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोला था, 5 पे अपन रुक गए थे, अब आपको ये 5 जमने लग जाएगा ठीक है। कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कैपिटलाइज किया है सबको बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज किया है, आपने सुना था अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज नहीं करते तो क्रेडिट मिलता है किसी तो भी चीज का, नहीं तो कैपिटलाइज किए मूवेबल प्रॉपर्टी को तो क्रेडिट नहीं मिलता, ऐसा कुछ तो भी आपने देखा था। चलिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स यूज्ड इन फैक्ट्री क्रेडिट मिलता है? हाँ 100% सर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर का क्रेडिट थोड़ी रोका था, यस क्रेडिट मिलेगा। मोल्स डाइस यस कैपिटल गुड्स है क्रेडिट मिलेगा। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट यस कैपिटल गुड्स है क्रेडिट मिलेगा। ऑन विच डेप्रिसिएशन हैज बीन टेकन ऑन फुल वैल्यू इंक्लूडिंग इनपुट टैक्स देयर ऑन, तो इसका क्रेडिट नहीं क्योंकि डेप्रिसिएशन आप ले चुके हो, ये पढ़ा था अपन ने बराबर है। अब फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गुड्स यूज एज अ पार्ट परचेज फ्रॉम सप्लायर हु पेड टैक्स 10,000 अंडर कंपोजिशन स्कीम एंड द कंपोजिट टैक्स हैज नॉट बीन कलेक्टेड फ्रॉम एक्स लिमिटेड, इसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। रीजन आप देख लीजिए भैया, जहां भी कंपोजिशन स्कीम के यानी सेक्शन 10 के हिसाब से अगर पेमेंट है तो उसका आईटीसी कभी नहीं मिलता सप्लायर को, ये बात ध्यान रखना, ये आपको मालूम है ठीक है, बड़ा आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
determine the amount of ITC available to Kalyan Limited in respect of the following goods and services procured by him. ठीक है, motor vehicle for transportation of person having approved seating capacity of 7% including driver. बोलो credit मिलेगा? No. अरे 13 से कम है ना बेटा motor vehicle, नहीं मिलता. 14% include driver. बोलो क्या मिलेगा? Yes. Motor lorries for transportation of goods मिलेगा, persons के लिए नहीं मिलता sir. Food beverages procured by sweet caterer for being used in a dealer's meet नहीं मिलेगा. डीलर्स मीट में आपने यूज किए, फर्दर सप्लाई के लिए थोड़ी की है. ये नाम पे मत जाना, डीलर मीट के लिए यूज किया, फर्दर सप्लाई के लिए नहीं किया. चीज समझ लो, डीलर मीटिंग के लिए किया है. सर्विस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर लॉरीज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यस मिलेगा. क्योंकि लॉरी का अगर मेन गुड्स का क्रेडिट मिलता है तो उसपे वो जनरल इंश्योरेंस, सर्विसेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, उसका भी क्रेडिट मिलता है. ये आपने देखा था. ठीक है, सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस मोटर व्हीकल्स, ये इसका नहीं मिलेगा. सर्विस ऑफ मोटर व्हीकल्स, ये इसका क्रेडिट यहां पे मिला था तो यहां पे भी मिलेगा. बड़ा आसान है बेटा क्वेश्चन. ठीक है, तो इसको लिखना कैसे देखिए, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, यहां पूरा अच्छे से लिख के आपको एक्सप्लेन किया हुआ, कई क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं, है ना. तो यहां पे किस टाइप से वर्किंग नोट बनाना, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो यही के यही रीजंस, लेकिन उसमें क्या होता है कई बार गड़बड़ भी हो सकती है. इस पैटर्न में भी आप एग्जाम में चल सकते हैं. वर्किंग नोट का एक टेबल बना दिए और वहां पे वर्किंग नोट नीचे लिख दिए. ये बेटा बड़ा अच्छा तरीका है, इससे एग्जामिनर को प्रॉब्लम नहीं होती, वो समझ जाता है आसानी से. मतलब एग्जामिनर को तकलीफ नहीं देना है ढूंढने में, उसको तकलीफ हुई तो वो आपको तकलीफ देगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना. ठीक है, चलिए आगे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल टू पॉस्को लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स प्रोक्योर्ड बाय देम इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. फेब्रुअरी में उन्होंने कुछ आइटम्स लिए थे, उसके ऊपर को कितना क्रेडिट मिलता है. इनपुट यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट 72,000, इसका आईटीसी मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा. यस, फूड बेवरेजेस प्रोक्योर फ्रॉम स्वीट कैटरर्स फॉर एम्प्लॉयज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन मिलेगा सर, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का मिलता ही है. गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, हाँ मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं. गुड्स यूज फॉर सेटिंग अप टेली कम्युनिकेशन टावर बींग इमोवेबल प्रॉपर्टी, टेली कम्युनिकेशन टावर तो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है. इनपुट स्टोलन फ्रॉम फैक्ट्री, चोरी हो गए, एच नहीं मिलेगा. यानी बस ये तीन का मिलेगा, ये दो का नहीं मिलेगा. देखिए कितना आसान था, है ना. एरा Determine the amount of input tax credit admissible to PQR in respect of following goods procured by him in the month of January. चलिए ठीक है, इसको भी देख लेते हैं. Goods used in construction of additional floor office building नहीं मिलता. इसमें आप लिख सकते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि भैया आपने एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज नहीं किया, कैपिटलाइज किया है. यहां पे देखिए लिखा होगा, हाँ कैपिटलाइजेशन किया है, टू द एक्सटेंट कैपिटलाइज. अगर इसको कैपिटलाइज नहीं किया होगा तो फिर प्रॉब्लम है, फिर मिल जाएगा. पैकिंग मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री सिंस यूज इन कोर्स ऑफ बिजनेस हेंस आईटीसी, ओ सॉरी इसका तो आईटीसी मिलेगा, पैकिंग मटेरियल यूज्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस है. गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू नेचुरल कैलेमिलिटी, आईटीसी नहीं मिलेगा, रिवर्स करना पड़ेगा बेटा. गुड्स यूज फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस बिल्डिंग एंड कॉस्ट ऑफ सच रिपेयर डेबिटेड, कैपिटलाइज नहीं किया तो आईटीसी मिलेगा. आसान है, चीजें आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में. पेपर फॉर फोटोकॉपिंग मशीन यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, बिल्कुल क्रेडिट मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है. गुड्स गिवन एज गिफ्ट, ना बिल्कुल नहीं. इनपुट यूज फॉर टेस्ट और क्वालिटी कंट्रोल, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी. तो ये तो एक बिजनेस का पार्ट है, क्वालिटी कंट्रोल चेक करना, टेस्ट रन करना बिजनेस का पार्ट है, क्रेडिट मिलेगा. बस ऐसा ही है ये बेटा. नाइन्थ वाला आप लोगों के लिए होमवर्क सेम है, ज्यादा उसमें कुछ फर्क नहीं है. ठीक है ना, तो इसको आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं. टेंथ वाला भी है तो आसान वैसे. टेंथ वाला भी होमवर्क नहीं, टेंथ वाला मैं करा देता. चलिए, एक्सवाइजेड एंगेज इन सप्लाइंग टैक्सेबल
goods which has availed following services in month of September 2019, compute the ITC on admissible. किस किस पे मिलेगा? सेल्स प्रमोशन सर्विस आईटीसी मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा. हेल्थ एंड फिटनेस सर्विस अवेल फ्रॉम फिजिक क्लब टू कीप हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय द सेट सर्विस नॉट अवेल अंडर गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन, नहीं था ना काय का, कुछ नहीं मिलेगा हेल्थ एंड फिटनेस सर्विस का नहीं मिलता. हायरिंग ऑफ मोटर बस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय, सीटिंग कैपेसिटी 40 थी, बिल्कुल क्रेडिट मिलेगा. वैसे भी हायर किया हायरिंग चार्जेस पे तो वैसे भी क्रेडिट मिलता है, ठीक है. मार्केट रिसर्च सर्विस बिल्कुल मिलेगा. क्वालिटी कंट्रोल यस बिल्कुल अवेलेबल है, सब बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफिस बिल्कुल नहीं, काय को मिलेगा, नहीं मिलेगा. लेकिन हाँ ऑफिस बिल्डिंग जो है आपने वो तो कैपिटलाइज किया हुआ होना चाहिए. सन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड सप्लायर इन हैंग में टैक्सेबल सर्विस ऑफ गुड्स कंपनी प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है ठीक है ठीक है. कितना आईटीसी मिलेगा, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी, ठीक है. परचेज ऑफ कैब्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉय, आपने कैब्स खरीदा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? सेक्शन 17(5)(a) भैया लीज रेंटल किसी चीज पे भी लो तो भी क्रेडिट नहीं मिलता. 17(1)(a) क्लॉज वो 4 छोटा वाला याद होगा आपको, लास्ट वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, ऐसे नहीं ऐसे खाया था एक जने ने आईटीसी, और बीपीओ कंपनी का एग्जांपल दिया था फ्रेंड्स आपको, याद है कि नहीं पता नहीं, याद नहीं है तो पॉज वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लेना. चलिए आगे चलते. इनपुट्स कंसिस्ट ऑफ 3 लॉट्स आउट ऑफ विच फर्स्ट लॉट वर रिसीव ड्यूरिंग द मंथ, इस महीने फर्स्ट लॉट मिला. जब क्रेडिट कब ले सकते, जब लास्ट लॉट मिले, मतलब इसका क्रेडिट इस महीने आप नहीं ले सकते. कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 3 आइटम्स इनवॉइस ऑफ 1 वॉज मिसिंग एंड जीएसटी वॉज पेड ऑन दैट आइटम 25,000. 25,000 का क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि इनवॉइस नहीं है. क्रेडिट लेने के लिए इनवॉइस का होना बहुत जरूरी है, तो इसमें से 25,000 माइनस कर दो, यानी 225,000 का मिल जाएगा, सिंपल सी बात. आउटडोर कैटरिंग सर्विस अवेलेबल वुमेंस डे, कुछ भी हो कैटरिंग सर्विस का मिलता क्या? नहीं मिलता. सन फार्मा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कोई कैटरिंग सर्विस वगैरह का कुछ क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी बचा सिर्फ ये इतना इसका मिलेगा. चलिए ये भी हो गया. कैनविल लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर्स एंगेज मैन्युफैक्चर ऑफ टैंक्स, द कंपनी प्रोवाइड्स, ये 3 कार्ड दो, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू जीएसटी पेड ऑन परचेस मेड ऑन इनपुट सर्विस अवेल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2020. परचेस ऑफ मशीनरी वेयर डेबिट नोट इज इश्यूड, अच्छा आपने मशीनरी परचेस की उसका डेबिट नोट इशू, डेबिट नोट इशू हो गया बेटा. इनवॉइस या डेबिट नोट कुछ भी रहे उसके दम पे आप जीएसटी क्लेम कर सॉरी आईटीसी ले सकते हो. डेबिट नोट आ गया ना मतलब आईटीसी ले सकते हो. यस इनपुट परचेज वॉज डायरेक्टली डिलीवर्ड टू मिस्टर जो वर्कर एंड रजिस्टर्ड सप्लायर, इसको बोलते बिल टू शिप टू मॉडल, याद है क्या? इसका भी क्रेडिट ले सकते हैं. कंप्यूटर परचेज डेप्रिसिएशन वॉज क्लेम्ड ऑन सेड जीएसटी पोर्शन अंडर इनकम टैक्स, नहीं मिलेगा. जीएसटी ले लिया ना डेप्रिसिएशन ले लिया, डेप्रिसिएशन मिलेगा या आईटीसी मिलेगा, सीधी सीधी बात है. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अवेल फॉर कस्टमर स्टाफ क्वार्टर विद इन द कंपनी प्रीमाइसेस, नो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का नहीं मिलता क्रेडिट, यानी टोटल आईटीसी अवेलेबल सिर्फ 1,95,000. चलिए ये होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क 13th वाला, दो ही होमवर्क दिए बेटा, ज्यादा नहीं दिए, ठीक है ना. 13th वाला होमवर्क, इसके बाद एक और लेंगे 14th वाला. हाँ लेमार्क लिमिटेड ऑफ नाशिक महाराष्ट्र रजिस्टर्ड सप्लायर इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स, इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ items purchased and service availed by it from Gujarat for the month of March 2020. Motor vehicle with CPC seating capacity 5% purchased for employee for use personal as well business purpose, bilkul nahi milega, blocked hai. Motor vehicle purchased for transportation of goods within factory, yes milega, passenger person allowed nahi hai, goods to allowed hai na. फूड आइटम फॉर कंजम, देखिए ये जो पढ़ रहे क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे बेटा एग्जाम में, लिखने के लिए नहीं आएगा लॉ की क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ पे क्वेश्चन आते हैं, ये बात ध्यान रखना. तो इसी टाइप के क्वेश्चन ये दो चैप्टर से आते हैं, आईटीसी और वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे. मैंने थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आई बात समझ में, बड़े आसान रहते हैं,
आपके लेवल पे फाइनल में तो हिला देंगे. फूड आइटम्स फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई. नहीं 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 बिल्कुल नहीं मिलेगा. फूड आइटम्स का नहीं मिलता. रेंट अ कैब फैसिलिटी अवेल फॉर एम्प्लॉयज टू फुलफिल अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन इन दिस रिगार्ड. गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया सच सर्विस. अरे नोटिफाई करने से नहीं होता. अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो भैया क्रेडिट मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता. ठीक है ना. और वैसे भी मोटर व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो ब्लॉक नहीं है. रेंट कैब फैसिलिटी का हाँ ये रहा. इज नॉट ब्लॉक वेयर गवर्नमेंट नोटिफाइज ऑब्लिगेटरी. बराबर बराबर ठीक है. ठीक है ये हो गया. 15th वाला क्वेश्चन बेटा आपको जब तक ये नेक्स्ट इससे होगा, यानी ये जो 15th क्वेश्चन है इसके लिए रूल 42 पढ़ना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट लेक्चर में इन शॉर्ट ये अपना कंप्लीट होगा. बराबर है. ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोगों को सब समझ में आ गया. आसान था ये, ध्यान रखने वाली बात है. नेक्स्ट लेक्चर जरा टेक्निकल रहेगा. ठीक है ना. तो आज यहीं रुकते हैं दोस्तों. ठीक है बाय.